आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का एक्ट थ्री का सीन फोर ये सीन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लिहाज से काफ़ी बड़ा भी है तो इसलिए इसको थोड़ा सा तसली के साथ देखना इस सीन के अंदर हम देखेंगे कि जो है वो दोबारा से ओलीबे के साथ मिलने के लिए आएगा उसके अलावा जो मेलवोलियो होगा वो प्रैक्टिकली दिखाएगा कि जो मारिया और साटुबे ने उसको पागल बनाने के लिए लेटर लिखा था वो उसके अंदर जो बातें लिखी थी वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा आज के सीन के अंदर उसके अलावा आज के सीन के अंदर सजैरियो

वट बेस्ट ओ ऑफ हम यानी उसको मैं ऐसी क्या चीज़ दूँ जिससे वो खुश हो जाए बेस्ट का मतलब होता है पेश करना है तो यहाँ पे वो तोहफे की बात करती है कि ऐसा मैं क्या तहफा दूँ जिससे वो खुश हो जाए फर यूथ इज़ बॉट मोर ऑफ दैन बैड और बोर्ड क्योंकि यूथ जो होती है ना जो जवानी होती है जो जवान लोग होते हैं उनको भीख मांगकर या फिर उधार मांगकर अपनी तरफ नहीं किया जा सकता बल्कि उनको ख़रीदा जा सकता है यानी उनको ना मतलब हम ख़रीद सकते हैं चाहे वो पैसे देकर या फिर कोई और चीज़ देकर उनको ख़रीदना ज़्यादा आसान होता है बजाय के उनसे मतलब उनका प्यार जो है वो भीख के तौर पर मांगा जाए या फिर उधार मांगा जाए अब यहाँ पर बैग्ड और बोर्ड का वर्ड यहाँ पे ऑलिव्या ने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बैग्ड और बोर्ड ये दोनों चीज़ें ही वो ट्राई कर चुकी है बैंक कैसे यानी उसने सजारियों से भीख भी मांग ली है यानी वायला जो कि सिजारियों बन के आई थी उससे इसने भीख भी मांगी थी कि मैं तुमसे लव करती हूँ तो जब इसने मतलब अपना प्रपोज़ल पेश किया उसके सामने तो उसने इनकार कर दिया तो ये हो गया उसकी बैग की फॉर्म के अंदर यानी ओलिविया ने भीख भी मांग ली और बोरोड का मतलब ये है कि सिजैरियो जो था ना वो अपने मालिक यानी और का प्रपोजल लेकर ओलिविया के पास आया लेकिन ओलिविया ने आगे से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कि तुम्हारे मालिक से तो एक तरह से वो उसके मालिक का जो लव था ना उसको बोरो कर रही थी उधार मांग रही थी तो इसलिए यहाँ पे उसने बैग और बोर्ड का वर्ड यूज किया है यानी शेक्सपियर ने ये यूज किया है बताने के लिए कि वो पास में क्या कर चुकी है तो फिर कहती है आई स्पीक टू लाउड अब जब ये ऊपर वाली तीन लाइनें उसने बोली ना तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो ना थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा बोल रही है तो इससे पहले कि कोई सुन ले अब यहाँ पे यहाँ पे ना आगे वाली दो तीन नाइस के अंदर वो थोड़ा सा नाटक करेगी ऐसे दिखाएगी कि जैसे वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश होती है तो वो कहती है मैं तो बहुत ज्यादा ऊंचा बोल रही हूँ मुझे मतलब आस्था बोलना चाहिए फिर कहती है वेर इज मेलबोलियो मेलबोलियो कहाँ पर है ही सैड एंड सिविल यानी वो जो है ना मल जो है वो सैड है यानी वो सैड रहता है यानी सीरियस रहता है एंड सिविल सिविल का मतलब है यानी ऐसा बंदा जो कि मतलब मेंटेन होकर रहता है ना ज्यादा मतलब हैप्पी होना ना ज्यादा सैड होना सिविल का मतलब होता है जो मुनासिब वे के अंदर रहता है मॉडस्ट वे के अंदर रहता है तो यहाँ पे वो यही कह रही है कि नाटक कर रही है कि मतलब ताकि अगर कोई किसी ने मुझे सुन भी लिया है ना तो वो यही समझे कि शायद मैं अभी भी दुख के अंदर हूँ इसलिए वो कह रही है कि मलबोलियो कहाँ पर है क्योंकि वो सैड रहता है यानी सीरियस रहता है और सिविल रहता है

तो इतने में मारिया जो होती है 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 वो है, coming, माड़ा। माड़ा वो है। manner, है, वो आती कहती यानी मैडम कर रहा है।, he is sure, possessed, मारिया वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो प्रोसेस्ड हो गया है यानी उसके अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया है व्हाई ऐसा क्यों रही हो व्हाट्स द मैटर यानी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है डज ही रेव रेव का मतलब होता है पागलों की तरह बातें करना तो कहती है क्या वो पागलों की तरह बातें करता है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है मारे कहती है नो no, मैडम नहीं मतलब मैडम ऐसा तो नहीं है ही डज नथिंग बट स्माइल यानी वो कुछ भी नहीं कर रहा वो बस स्माइल कर रहा है मुस्कुरा रहा है योर लेडीशिप वेस्ट टू हैव सम अबाउट यू इफ ही कम कहती है कि अगर वो आपके पास आए ना तो आपके लिए यही जरूरी होगा या बेहतर होगा कि आप अपने साथ कोई गार्ड रखें यानी अपने साथ कोई मुहाफिज वगैरह रखें वॉचमैन रखें ताकि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे श्योर द मैन इज टेंटेड इन हिज विट्स यानी कहती है कि मुझे यकीन है कि वो आदमी जो है वो पागल हो गया है यानी वो अपने होशो आवास में बिल्कुल भी नहीं है लेवा कहती है गो का जाओ उसे यहाँ पर बुला कर लाओ एग्जिट मारे बारे वहां से चली जाती है तो फिर ओलिविया कहती है आई एम एज मैड एज ही यानी फिर से ओलिविया जो है वो थोड़ा सा अंदर से खुश हो रही है और कहती है यानी अभी आके मारिया ने जो मेलवोलियो के बारे में बात बताई है ना उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया वो अभी भी अपने बारे में ही सोच रही है ओलिविया कहती है कि मैं भी बिल्कुल मेलवोलियो की तरह ही मैड हूँ इफ सैड एंड मैरी मैडनेस इक्वल बी अगर यानी मेरी जो सैडनेस है और मेलगोलियो की जो मैरीनेस है यानी खुश होना क्योंकि अभी मारिया ने आकर बताया ना कि वो स्माइल कर रहा है इसलिए वो कह रही है कि मेलगोलियो की जो खुशी है और मेरी जो सैडनेस है कि यानी जो है वो मेरा मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मेरी जो सैडनेस है और मेलवोलियो uh, की जो खुशी है ये दोनों अगर इक्वल है ना तो मैं भी मेलवोलियो की तरह ही पागल हूँ री इंटर मारिया विद मेलवोलियो तो फिर मारिया री इंटर होती है मेलवोलियो के लेकर तो कहती है हा ना मैं बोलियो तुम कैसे हो तो यानी बहुत ज्यादा वो खुशी का इजहार रहा है, है दाओ, तुम रहे हो, occasion, मैंने तो तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तो काफी सैड था तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो तो मैं बोलो कहता है सैड लेडी मतलब लेडी क्या आपको लगता है कि वो काम सैड था आई कुड बी सैड तो चलो मैं आपको सैड भी नजर आ सकता हूं दिस डज मेक सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड दिस क्रॉस गार्टरिंग यानी ये जो मैंने क्रॉस गार्टरिंग पहनी हुई है ना टांगा के ऊपर ये मेरी टांगों के अंदर जो ब्लड है ना उसको रोक रही है इसलिए आप मेरी टांगों को देख कर कह सकती हैं कि मैं सैड हूँ बट वट ऑफ दैट लेकिन अब मैं इसकी क्या ही बात करूँ इफ़ इट प्लीज़ द आई ऑफ वन यानी अगर ये जो मेरी मतलब क्रॉस गार्डनिंग है मतलब ये जो मैंने टांगे के ऊपर पट्टियाँ सी लपेटी हुई हैं इनसे अगरचे मेरा खून जो है वो रुक रहा है और मैं सैड लग रहा हूँ या फिर आपको मैं सैड लग सकता हूँ लेकिन मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि अगर ये किसी की आंख को ठीक लगती है यानी अगर ये जो मैंने क्रॉस गार्डनिंग की हुई है ये किसी की आंख को यानी किसी के दिल को अच्छी लगती है ना ये मतलब किसी को मेरा ये क्रॉस गार्डनिंग करना मेरी मतलब ये पटियाँ टांग के ऊपर पहनना किसी को अगर अच्छा लगता है इट इज़ विद मी एज द वेरी ट्रू सोनेट इज प्लीज़ वन एंड प्लीज़ ऑल तो मेरे लिए ये जो क्रॉस गार्डनिंग है ना ये बिल्कुल उसी सोनेट की तरह है यानी उसी सॉन्ग की तरह है जो कि ऐसे है प्लीज़ वन एंड प्लीज़ ऑल ये ना उस सॉनेट की लाइन है जिसका रेफरेंस यहाँ पे मेलवोलियो मतलब तो तो करने की कोशिश करते हैं तो मेलवोलियो कह रहा है कि मैडम अगर मैंने ये जो क्रॉस गार्डनिंग पहनी हुई है ना अगरचे इससे मेरी टांगों के अंदर खून जो है उसकी सप्लाई रुक रही है लेकिन मुझे ये जो क्रॉस गार्डनिंग है ना इसकी तब तक कोई भी परवाह नहीं है जब तक ये किसी की आंखों को अच्छा लग रहा है और इसीलिए ये ये जो क्रॉस गार्डनिंग है ना ये मेरे लिए बिल्कुल उसी सॉन्ग की तरह है जिसके अंदर कहा गया है आप एक ऐसे बंदे को खुश करें जिसको खुश करने से आपको लगे कि पूरी दुनिया आपसे खुश है तो ओलिविया ओले है वाई हाउ डोज दो मैन मतलब तुम्हें क्या हो गया है मेलवोलियो इज द मैटर विद दी तुम्हारे साथ क्या मामला है यानी तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो मेलवोलियो कहता है नॉट ब्लैक इन माई माइंड यानी मेरी लेडी आप मुझे समझनी है कि शायद मैं अपने माइंड से ब्लैक हो गया हूँ यानी मेरा दिमाग जो है वो उलट गया है दो येलो इन माई लेग्स अगर से यानी मेरी टांगे जो हैं वो इस टाइम येलो हैं यानी मैंने क्योंकि क्रॉस गार्डनिंग की हुई है ना अपनी टांगों के ऊपर तो वो दिखने से आपको चाहे येलो लग रही हों और आपको शायद लग रहा है कि मैं दिमाग से पागल हो गया हूँ इट डिड कम टू हिज हैंड्स यानी इट डिड कम टू हिज हैंड्स का मतलब है कि यानी वो जो आपने लेटर मुझे लिखा था ना वो मेरे हाथ लग गया है

तो मेलवोलियो जो होता है वो इसकी बात को थोड़ा सा गलत समझ लेता है कहता है बेड ए एंड आई कम टू अब इस लाइन के दो मीनिंग हो सकते हैं या तो ये जो लाइन है ये एक सॉन्ग की लाइन है यानी जिस तरह से पे उसने एक को कोट किया ना कि प्लीज वन एंड प्लीज ऑल उसी तरह से ये जो लाइन है ये भी किसी सॉन्ग की लाइन हो सकती है जिसका रेफरेंस यहाँ पे मेलवोलियो ने दिया है मेलवोलियो ना यहाँ पे समझ रहा है कि शायद ओलिविया जो है वो उसको बेड पर इन्वाइट कर रही है अपने साथ तो इसलिए वो कहता है कि ओह मतलब स्वीट हार्ट मतलब बेड पर चला जाऊं मतलब जब भी तुम कहोगी मैं आ जाऊंगा बेड पर तो ओलिविया कहती है गॉड कम्फर्ट दी यानी खुदा तुम्हें ठीक करे या सुकून दे द द स्माइल एंड किस हैंड ऑफ यानी तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो और अपने हाथ को बार बार क्यों चूम रहे हो अब ये जो हाथ को बार बार चूमना होता है ना ये भी एक जेंटलमैन होने का मतलब एक बिहेवियर शो करना होता है तो वही बिहेवियर यहाँ पे ना मेलवोलियो शो कर रहा है तो मारिया कहती है हाउ डू यू मेलवोलियो तो मारिया मेलवोलियो से पूछिए कि मेलवोलियो तुम कैसे हो तो मेलबोलियो है वो थोड़ा सा और नाइटिंगेल बुलबुल बुल को कहते हैं जो कि मतलब जो कि अपनी आवाज की वजह से अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से बहुत फेमस होता है तो मेलबोलियो जब मारिया पूछती है ना कि तुम कैसे हो तो मेलबोलियो जवाब कहता है मारिया अगर तुम मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो यानी तुम मुझसे बात करना चाहती हो

इस तरह की मजाया रिडिकुलस यानी इस तरह की फनी बोल्डनेस के साथ यानी इस तरह के खुले मिजाज के साथ जिससे दूसरों को हंसी आ रही है तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो ओलिविया के सामने तो मेलवोलियो कहता है बी नोट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस अब यहाँ पे आगे जो काफी लाइन्स आएंगी ना उनके अंदर मेलवोलियो क्या करेगा कि ओलिविया की उन्हीं लाइन्स को कोट करेगा जो कि वो समझता है कि उसने लेटर के अंदर लिखी थी लेकिन वो असल में मारिया ने लिखी थी तो मैल कहता है कि हमें ग्रेटनेस से नहीं डरना चाहिए ये भी वही लाइन है जो कि किलिपिया ने लेटर के अंदर लिखी थी इट वॉज वेल रेट यानी कहता है कि ये जो लाइन थी ना यानी ओलिविया को वो कह रहा है कि ओलिविया ये जो लाइन थी ना कि हमें ग्रेटनेस से नहीं डरना चाहिए ये काफी कमाल की लाइन थी यानी ये तुमने काफी कमाल की लाइन लिखी थी लेटर के अंदर ओलि कैसे कहती है वॉट मीनस दाओ बाई दैट मेलवोलियो यानी मेलवोलियो तुम ये लाइन कहकर क्या साबित करना चाहते हो यानी तुम्हारा क्या मतलब है ये लाइन कहने का तो मेलवल कहता है आर बोर्न ग्रेट फिर से वो उसी लाइन को कोट कर रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पैदाइशी ही ग्रेट होते हैं कहती है हाँ यानी क्या कह रहे हो मैं कहता है सम अचीव ग्रेटनेस और कुछ लोग जो होते हैं उनको ग्रेटनेस जो होती है वो मतलब मिल जाती है टाइम के साथ मिल जाती है

क्रॉस गार्टेड अब ये क्रॉस गार्टेड क्या चीज है क्या तुम बात कर रहे है? मेल हो? मेलवोलियो तो मेलवोलियो है, so. है कि जब ओलिविया ने कहा था कि मतलब तुम जाओ और अपने आप को बना कर आओ यानी अपने आप को कुछ बनाओ यानी अभी तुम सर्वेंट हो ना तुम सर्वेंट से भी कुछ ज्यादा बन सकते हो तो जाओ अपने आप को बनाओ अगर तुम चाहते हो यानी इफ डिजायर टू तो बी सो का मतलब है कि यानी अगर तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो मुझसे शादी करना चाहते हो तो जाओ पहले उस काबिल बनो ये वो ओवर लाइन थी तो एलिग्र कहती है एम आई मेड यानी क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मतलब मेड हूँ मतलब मैंने कोई मेकअप किया हुआ है या फिर मैं तुम्हें नेचुरल नहीं लगती ये तुम समझते हो मैं बोलियोगे से कहता है इफ नॉट लेट मी सी दियर सर्वेंट स्टिल यानी मैं उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा वो बार बार उस लेटर की लाइन्स को कोट किए जा रहा है यहां पे वो लाइन कर रहा है कि जब जबिव्या ने कहा था कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते यानी पहले ने कहा ना कि तुम जाओ और अपने आप को इस बनाओ कि तुम मेरे हस्बैंड बन सको फिर आगे मेलबोलियो जो है वो इस लाइन को कोट कर रहा है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं बनना चाहते तो ठीक है मैं भी तुम्हें फिर एक सर्वेंट ही देखना चाहूंगी उलिविया फिर कहती है, कहती है कि मेलबोलियो ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना ये मिड समर मैडनेस की तरह है यानी समर के अंदर जिस तरह से काफी लोग पागल हो जाते हैं समर की गर्मी की वजह से तो उसी तरह से ये मुझे लग रहा है इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मानते हैं कि मतलब समर जब आता है ना तो समर का जो मून होता है ना वो कई लोगों को पागल कर देता है यानी मैड बना देता है तो यहाँ पे मे भी अलिविया का ये मीनिंग भी, भी हो सकता है कि मतलब समर का मून जो है उसने तुम्हें पागल बना दिया है या समर की गर्मी जो है उसने तुम्हें पागल बना दिया है इंटर सर्वेंट इतने में एक सर्वेंट जो होता है जिसको ओलिविया ने भेजा था कि को बुलाकर लाओ वो इंटर होता है सर्वेंट कहता है मैडम यंग जेंटलमैन ऑफ द काउंट और सीनो इज रिटर्न सर्वेंट कहता है कि मैडम वो जो काउंट और सीनो का जो जेंटलमैन है ना वो आपसे मिलने के लिए आ गया है आई कोड हार्डलीट हिम बैक यानी मैंने उसे बड़ी मुश्किल से वहां पर पीछे रोका हुआ है ही अटेंड्स योर यूर प्लेजर यानी वो आपसे मिलने के लिए बेताब है यानी yani, वो चाहता है कि आप जल्दी से उससे जाके मिल लें मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका हुआ है ओलिविया कैसे कहती है आई एल कम टू हिम ठीक है ठीक है मैं आ रही हूँ उसके पास एग्जिट सर्वेंट ये कहकर वहां से सर्वेंट जो होता है वो चला जाता है तो ओलिविया फिर कहती है गुड मारिया यानी प्यारी मारिया लेट दिस फैलो भी लुक टू जो मेलबोलियो है ना इसका दिमाग थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा है इसके ऊपर ना तुमने नजर रखनी है या फिर किसी को तुम यहाँ पर भेजो जो कि इसके ऊपर नजर रखे वेयर इज माई कज़न टूबे यानी मेरा कज़न टूबे जो है वो कहाँ पर है लेट समयल है स्पेशल केयर ऑफ हिम यानी मेरे जो कुछ लोग हैं ना उनको इधर बुलाओ ताकि वो इसका ध्यान रखें मेलबोलियो का आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डोरी डोरी कहते हैं दहेज को यानी वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही है कि मतलब मेलवोलियो मुझे कितना ज्यादा कीमती है वो कहती है कि मैं ना अपना आधा दहेज जो है ना वो देने के लिए तैयार हो जाऊंगी लेकिन मैं मेलवोलियो को मिस कैरी मिस कैरी यानी पागल होता हुआ नहीं देख सकती ये वो यहाँ पे कहती है तो एग्जीक्यूट ओलिविया एंड मारिया वो दोनों वहां से चली जाती हैं है। मेलवोलियो फिर कहता है ओहो अच्छा डू यू कम नियर मी नाउ यानी मेलवोलियो कहता है कि ओलिविया मुझे लगता है कि अब तुम ना मेरे करीब आ रही हो No to to यानी तुमने सर टूबे को जो मेरे पास भेजा है ना मेरी निगरानी के लिए वो सबसे घटिया आदमी है मेरे लिए या मैं उसको सबसे घटिया आदमी समझता हूँ अपनी निगरानी के लिए दिस कंक्यूर्स डायरेक्टली विदर और ये जो चीज है ना कि तुमने मतलब सर टूबे को मेरी निगरानी के लिए भेजा है ये बिल्कुल लेटर की तरह है यानी तुमने लेटर में भी कहा था और ये चीज तुमने करके भी दिखा दी क्या वो आगे बता रहा है शी सेंड्स हिम ऑन पर्पस वो कहता है कि इसने ना ओलिविया ने ना सर टूबे को जानबूझकर अब मेरे पास भेजा है मेरी रखवाली के लिए दैट आई मे अपीयर्स टू बॉन्ड टू हिम ताकि मैं उसके साथ थोड़ा सा बदतमीज होकर बात करूं

सर्वेंट वाली नेचर है जो मेरी हम्बल नेचर है उसको मैं फेंक दूँ या उतार दू यानी जो मैं सब लोगों के साथ शराफत के साथ बात करता हूँ उसको मैं उतार दूँ और रूड बिहेवियर करूँ यही मुझे ओलि ने लेटर के अंदर कहा था बी अपोजिट विद विद्स मैन यानी मेरा जो रिश्तेदार है उसके साथ मेरा अपोजिट मतलब बिहेवियर होना चाहिए यानी उसको मैं थोड़ा सा रूड बिहेवियर शो करूँ अपने ए, मतलब रिश्तेदार को या फिर ओलिविया के रिश्तेदार को सर्व विद सर्वेंट्स सरली का मतलब ये होता है अकड़पन यानी रूड बिहेवियर शो करना विद सर्वेंट्स यानी सर्वेंट के साथ भी मुझे के साथ बात करनी चाहिए या फिर अकड़पन शो करना चाहिए लेट द टंग टैंग विद ऑफ स्टेट उसके अलावा अलीग ने मुझे कहा था कि मेरी जो जुबान है ना उसके ऊपर स्टेट के जो आर्गोमेंट होते हैं जो बड़े बड़े लोगों वाली बातें होती हैं जो कि पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं वो वाली बातें मेरी जुबान को करनी चाहिए पुट द सेल्फ इन टू ट्रिक ऑफ सिंगुलैरिटी और मुझे अपने आप को ना सिंगुलैरिटी के अंदर डालना चाहिए यानी लोगों से अलग थलग रखना चाहिए और अकेला रहना चाहिए यानी किसी के साथ इतने खास रिलेशन नहीं बनाने चाहिए मुझे ये मुझे ओलिविया ने कहा था एंड कंसिक्वेंटली मैनर हाउ और उसके अलावा ओलिविया ने मुझे ये भी बताया था कि मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ एज अ सैड फेस यानी उसने मुझे कहा था कि मैं एक सैड फेस बना सकता हूँ आर रेवरेंट रेवरेंट कहते हैं थोड़ा सा मतलब ठाठ बाट के साथ थोड़ा सा अमीरों वाले मतलब बिहेवियर के साथ कैरेज यानी चलना वॉक यानी अमीरों वाले बिहेवियर के साथ मुझे चलना चाहिए अ स्लो टंग मुझे मतलब आता आहिस्ता बोलना चाहिए इन द हैबिट ऑफ सम सर सर ऑफ ऑफ नॉट नॉट सम का मतलब है कि यानी जो अमीर लोग होते हैं जिस तरह से वो बोलते हैं ना उनकी जो आदत होती है बोलने की मुझे भी बिल्कुल उसी तरह से बोलना चाहिए या फिर इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे जो मतलब बड़े लोग हैं ना जिस तरह से बड़े बड़े राइटर होते हैं उनकी बातें कोट करनी चाहिए अपनी बातों के अंदर एंड सो फोर्थ और इसी तरह की काफी बातें थी जो कि ओलि ने मुझे बताई थी लेटर के अंदर आई हैव लाइम्ड लाइम्ड हर अब क्या होता है लाइम कहते हैं ये एक ट्रैप होता है जिससे परिंदों को पकड़ा जाता है तो उसी ट्रैप की पे एग्जाम्पल वो कर रहा है कि मैंने ओलिविया को उस ट्रैप की तरह पकड़ लिया है जिस तरह से उस ट्रैप से परिंदों को पकड़ा जाता है मैंने भी ओलिविया को पकड़ लिया है फांस लिया है बट इट इज स्टोइंग फिर कहता है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है जॉब देवता जो है ना ये सब कुछ उसका करना है यानी अब जॉब यहाँ पे क्या है जीवस जो देवता है ना जो कि मतलब सब देवताओं का देवता है उसको रोम के अंदर ना जॉब कहते हैं तो मैंने बोलो यही कह रहा है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है ये सब कुछ मेरे लिए जॉब देवता ने किया है एंड जॉब मेक मी थैंकफुल और इसीलिए जॉब देवता जो है मैं उसको अब शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसने मुझे इस काबिल बनाया है यानी मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ एंड वेन शी वेंट अवे वाओ और फिर वो याद करता है कि जब अभी अभी ओलिविया यहाँ से गई ना लेट दिस फेलो बी लुक टू उसने ये वाली लाइन कही कि इस दोस्त का ख्याल रखा जाए फेलो यानी उसने मेरे लिए फेलो यानी दोस्त का वर्ड यूज़ किया नॉट मेलवोलियो ना कि मेलवोलियो का वर्ड यूज़ किया नोर आफ्टर माई डिग्री यानी उसने मेरी डिग्री के पीछे मेरा वर्ड यूज़ नहीं किया यानी मेरा रुतबा जो था वो एक सर्वेंट वाला था तो वो मुझे सर्वेंट भी कह सकती थी

ये भी एक छोटा सा वेट होता है जो कि जो मेडिसिन वाले लोग होते हैं ना मेडिसिन के फील्ड के अंदर या वैसे भी किसी दूसरे फील्ड के अंदर जहाँ पे मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे वेट की ज़रूरत होती है ना तो वहाँ पे यह यूज़ किया जाता है स्क्रप्पल और जो ड्रैम है ये भी बहुत छोटा वेट होता है यानी ये अप्रोक्सीमेटली ना वन ग्राम के इक्वल होता है तो यहाँ पे ड्रैम और स्क्रपल दोनों का मतलब है यानी छोटे से छोटी भी जो चीज़ है ना वो क्या करेगी कि नो स्क्रपल अ स्क्रपल यानी पहले उसने कहा कि ड्रैम ऑफ अ अस्क्रप्पल यानी फर्ज कर लो कि एक स्क्रपल है एक छोटी सी चीज़ है उसकी आगे और एक ड्रैम है ड्रैम यानी उस छोटी सी चीज़ का और आगे उसने छोटा सा यूनिट बना दिया कि मतलब कोई भी मामूली से मामूली चीज़ भी जो है चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो यानी नो स्क्रपल और फर्स्ट स्क्रपल मतलब ये जो लाइन है अब यहां पर वो बस उस चीज़ को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है इसको बार बार रिपीट करके कि मतलब कोई भी मामूली से मामूली चीज़ नो no ऑब्स्टिकल ना ही कोई मतलब गलती जो है कोई बैरियर जो है नो no इनक्रेडुलस इनक्रेडिल्स कहते हैं ऐसी चीज जिसे रोका ना जा सके और ना ही मतलब कोई ऐसी चीज जिसे रोका ना जा सके और अनसेफ़ और ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल भी सेफ ना हो सर्कमस्टांस यानी ऐसे हालात जो कि बिल्कुल भी ठीक ना हो वट कैन बी सेट यानी अगर मैं कुछ भी कहूँ ना जो कुछ भी मैं कहूँ इन सब में से मैं से, मतलब वो कह रहा है कि मतलब ऊपर वाली लाइन को मिला के वो कह रहा है कि मतलब ये सब सब बातें करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मामूली से मामूली चीज़ जो है चाहे वो कोई बैरियर हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे रोका ना जा सके या फिर कोई ऐसे हालात हों जो कि सेफ ना हों तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना वो क्या करेगी कि नथिंग दैट कैन बी कम बिटवीन मी एंड द फुल प्रोस्पेक्ट ऑफ माई होप्स यानी इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो मेरे और मेरी जो होप्स हैं मेरी जो उम्मीद है ना उसके पूरा होने के दरम्यान नहीं आ सकती ये वो यहाँ पे कह रहा है अब वो किस होप की बात कर रहा है वो आपको पता है कि वो ओलिविया का हस्बैंड बनने की बात कर रहा है फिर कहता है वेल जॉब नॉट आई इज़ द डूअर ऑफ दिस यानी फिर से वो जॉब देवता को कह रहा है कि ये सब कुछ जॉब देवता ने किया है ना कि मैंने किया है एंड ही इज़ टू बी थैंक और इसीलिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर आगे री इंटर मारिया विद सरटूबे बेल्च एंड फेबियन इतने में मारिया जो होती है वो सरटूबे बेल्च और फेबियन के साथ वहाँ पे एंटर होती है तो सरटूबे जो है ना अब यहाँ पे उसको पता तो है कि ये मैल जो है ये क्यों कर रहा है मतलब सब कुछ लेकिन फिर भी ना वो मेलवोलियो के सामने नाटक करने की कोशिश करेगा कि जैसे वो उसको मतलब बचाने की कोशिश कर रहा है या वो जो जो प्रोसेस्ड हुआ है ना तो उसको उस शैतान से बचाने की कोशिश कर रहा है सटूबे तो सटूबे की लाइन वो कहता है विच वे इज ही यानी कहाँ है कहाँ मेलवोलियो इन द नेम ऑफ सेंटिटी सेंटिटी कहते हैं वैसे सेंटिटी का मतलब होलीनेस भी होता है यानी सेंटिटी के नाम के ऊपर होलीनेस के नाम के ऊपर मुझे बताओ कि मेलवोलियो कहाँ पर है इफ ऑल द डेवल्स इन हेल्प बी ड्रॉन इन लिटिल अब इन लिटिल जो है ना ये यहाँ पे उसने मेलवोलियो के लिए यूज़ किया है वो कह रहा है कि क्या ऐसा हुआ है कि जो हेल के सारे डेविल्स हैं वो एक छोटी सी चीज़ के अंदर समा गए हैं यानी वो कहना चाह रहा है कि क्या मेलवोलियो जो है वो एक मामूली सा मतलब आदमी है तो उसके अंदर हेल के जो बड़े बड़े शैतान हैं वो उसके अंदर घुस गए हैं एंड लीगिन हिम सेल्फ प्रोसेस्ड हिम येट आई स्पीक टू हिम अब लीगिन क्या चीज़ है लीगिन जो है ना ये यहाँ पे एल्यूशन यूज़ किया है शेक्सपियर ने एक मतलब किंग था किंग जेम्स जिसका नाम था उसने ना बाइबल को पहली बार इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था तो उसकी बाइबल के अंदर से ये रेफरेंस यहाँ पे जो है ना ये लिया गया है तो उस बाइबल के अंदर ना उसने ये वाला वर्ड जो था ये डेविल के लिए यानी शैतान के लिए यूज़ किया था कि जब वो बाइबल के अंदर पूछता है कि मतलब तुम कौन हो तो वो कहता है मैं लीगियन हूँ वो जो न्यू टेस्टमेंट किंग जेम्स ने ट्रांसलेट की थी ना उसके अंदर इस लीगियन के दो मीनिंग हैं पहले तो लीगन के अंदर जब वो मतलब पूछता है कि तुम कौन हो तो वो आगे से जवाब देता है कि मैं लीगन हूँ यानी मैं डेविल हूँ और लीगन का दूसरा मतलब आर्मी भी होता है कि यानी मेरे साथ मेरी पूरी आर्मी है तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अगरचे मतलब मेलवोलियो जो है उसको लीगन ने प्रोसेस कर लिया है यानी लीगन जो डेविल है उसने उसको प्रोसेस कर लिया है यानी वो उसके अंदर घुस गया है मैं फिर भी उससे बात करूंगा तो फेबिन कहता है हेर इज he देखो वो रहा वो हेयर इज यानी वो देखो मेलवोलियो ये है हाउ इज इट विद यू सर फिर वो फेबिन जो है वो मेलवोलियो से पूछता है कि जनाब आप कैसे हैं हाउ इज इट विद यू मैन मतलब पहले उसने कहा कि हाउ इज़ इट विद यू सर और फिर आगे उसको मैन यानी पहले थोड़ी सी इज्जत दी फिर बाद में वैसे ही कैजुअल वे के अंदर पूछ रहा है कि मतलब क्या हुआ तुम्हें तुम कैसे हो मेल वोल्यू तो मेलवोलो कैसे कहता है गोफ़ यानी चले जाओ यहाँ से आई डिस्कार्ड यू डिस्कार्ड का मतलब होता है धुतकारना किसी की बेजती करके उसको वापस भेज देना तो मेलवोलियो भी कह रहा है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से मैं तुम्हारी मैं मतलब बेजती करता हूँ या मैं तुम्हें धुतकारता हूँ लेट मी एन्जॉय माई प्राइवेट गो ऑफ यानी मुझे यहाँ पर मेरे प्राइवेट के जो मतलब लम्हात हैं उनको इन्जॉय करने दो तुम यहाँ से चले जाओ तो हमारे कहती है लू अब यहाँ पे लू जो है ना ये लुक की शॉर्ट फॉर्म है तो हमारे कह रही है लुक यानी देखो हाउ होलो द फीन स्पीक्स विद इन हिम होलो का मतलब होता है कि मतलब ऐसी आवाज़ जो कि गूंजती है जैसे कि एक मतलब खाली कमरा होता है ना तो उसके अंदर जैसे आवाज गूंजती है तो यहाँ पे होलो का मतलब भी यही है तो हमारे कह रही है कि देखो वो जो डेवल इसके अंदर ना वो किस तरह से इसके अंदर बोल रहा है यानी डेवल की आवाज इसके अंदर से किस तरह से आ रही है डिड नॉट आई टेल यू सर टू बे माई लेडी प्रेज यू टू यानी वो कहती है कि मतलब, आपको बताया नहीं था कि मेरी लेडी ओलिविया जो है उसने आ, मतलब ये कहा है कि आप इसका ख्या, खास ख्याल रखें यानी इसका ध्यान रखें आप तो जब महलवोलियो ये सुनता है सुनता है तो वो कहता है अह डज शी सो अच्छा वो जब मारिया ने कहा ना कि मतलब ओलिविया ने कहा था कि मतलब इसका आप खास ख्याल रखें सर टूबे तो उसकी ये बात सुनने के बाद महलवोलियो थोड़ा सा खुश होता है और वो कहता है अच्छा ऐसा कहा था ना ओलिविया ने तो सर टूबे कहता है गो टू गो टू अब ये जो गो टू गो टू है ना ये आप समझ लें कि एक तरह का, एक एक का एक्सप्रेशन है ये कोई मतलब वर्ड्स नहीं है मतलब है तो वर्ड्स लेकिन ये उसने मतलब जानबूझ के नहीं बोले ये एक एक्सप्रेशन देते हुए ना जैसे हम कहते हैं ना ठीक है ठीक है तुम साइड पे हो जाओ मैं देखता हूँ तो उस तरह का एक एक्सप्रेशन देते हुए ना उसने कहा है पारिया तुम साइड पे हो जाओ मैं इसको देखता हूँ पीस पीस यानी रुको मेरे दोस्त खामोश हो जाओ या शांत हो जाओ वी मस्ट डील जेंटली विद हिम यानी हमें जो है ना वो इसके साथ जेंटली डील करना होगा यानी यहाँ पे वो मे बी फैबियन और मारिया को कह रहा हो कि मतलब हमें मेलवोलियो uh, के साथ जेंटली डील करना होगा लेट मी अलोन यानी तुम सब पीछे हो जाओ मुझे इसके साथ डील करने दो यानी मैं इसको संभालता हूँ तुम सब पीछे हो जाओ हाउ डू यू मेलवोलियो फिर वो पूछता है मेलवोलियो तुम कैसे हो हैज इट विद यू यानी क्या हुआ तुम्हारे साथ मैन यानी क्या हो गया यार डिफाई द डेविल डिफाई द डेविल का मतलब है कि यानी इस शैतान को डिफाई करो यानी इसका मुकाबला करो कंसिडर यानी ये समझो कि ही इज़ एन एनिमी टू यानी ये इंसानियत का दुश्मन है तुम इसको ये समझो इसलिए इसका मुकाबला करो तो मेलवोलो कहता है डू यू नो वट यू से यानी तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो अब मेलवोलियो जो है मतलब वो उनकी बातों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है तो हमारे फिर से कहती है ले यू ले यू का मतलब फिर से है लुक यू यानी देखा तुमने ये मतलब किस तरह के इशारे दे रहा है एंड यू स्पीक इल ऑफ द डेविल हाउ ही टेक्स इट एट हार्ट अच्छा एन जो है ना ये ज़्यादातर क्या होता है कि शेक्सपियर के प्लेस के अंदर जहाँ पे भी ज़्यादातर एन आता है ना तो उसका मतलब कंडीशन होता है कि इफ यहाँ पे मतलब यूज हो, हो रहा है तो यहाँ पे मारिया यही कहती है कि देखा मतलब सर टूबे तुमने जैसे ही मतलब शैतान के बारे में बात की दिल का मतलब है कि यानी शैतान के बारे में बुरी बात की कि मतलब शैतान को बुरा भला कहा तो मेलबोलियो जो है उसने इस, इसको दिल के ऊपर ले लिया क्योंकि उसके अंदर वो शैतान है फिर कहती है प्रे गॉड यानी मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि ही बी नॉट बिविस्ट यानी इसके अंदर शैतान ना घुस गया हो बिस्ड का मतलब ये होता है प्रोसेस्ड हो जाना तो फेबिन कहता है कैरी हिज वाटर वॉइसन यानी अब ये भी उस टाइम के अंदर ना एक तरीका होता था कि मतलब इस तरह से अगर कोई आदमी जो है वो इस तरह से मैड हरकतें करता है तो उसका यूरिन जो होता था वो एक औरत होती थी, थी उसके पास लेके जाते थे और वो उसके ऊपर जादू टोना वगैरह करके उसको ठीक करने की कोशिश करती थी तो उसी चीज़ का यहाँ पे जो है ना वो रेफरेंस यूज किया जा रहा है तो मारिया कहती है मैरी मैरी फिर से ये जीसस क्राइस्ट की मदर की कसम खा कह रही है कि मैरी एंड इट शैल बी डन टू मॉर्निंग यानी फैबिन ने कहा ना कि हम इसका यूरिन लेके जाते हैं वाइज वुमन के पास तो उसके जवाब में मारिया कह रही है कि नहीं हम आज ऐसा नहीं कर सकते मतलब इसका यूरिन जो है वो मैं कल लेके जाऊँगी आज मैं नहीं लेके जा सकती इफ़ आई लिव यानी मैं कल तक जिंदा रही तो वो मतलब फिर से मेलवोलियो जो है ना उसके बारे में बताते हुए कह रही है कि मतलब अगर इसने हमें जिंदा रहने दिया तो मैं इसका यूरिन जो है वो वाइस वुमन के पास कल लेकर जाऊंगी माई लेडी वुड नॉट लूज हिम फॉर मोर देन आई से जितने पैसे मैं कह सकती हूँ ना या जितने पैसे मैं इमेजिन कर सकती हूँ वो ओलिविया जो है ना वो इसके ऊपर लगा सकती है और इसलिए वो इसे मतलब लूज नहीं करना चाहती यानी यहाँ पे वो कह रही है कि ओलिविया जो है ना वो इसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगाने के लिए भी तैयार है तो मैं बोलो कहता है हाउ नाउ मिस्ट्रेस यानी क्या ऐसा ही है हमारी uh, आगे से कहती है लोड यानी ए मेरे खुदा हमें बचाना तो सर डूबे आगे से कहता है प्रीति यानी प्रीति यानी प्लीज होल्ड दाए पीस यानी तुम सब लोग खामोश हो जाओ दिस इज़ नॉट द वे यानी हम इसको इस तरह से नहीं डील कर सकते यानी इसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते डू यू नॉट सी यू मूव हिम यानी तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम इसे मतलब डिस्टर्ब कर रहे हो या इसे परेशान कर रहे हो तो यानी तुम्हारी बातें जो हैं वो इसे और ज़्यादा उकसा रही हैं इसलिए तुम खामोश हो जाओ लेट मी अलोन विद हिम यानी मुझे खुद बस इसके साथ डील करने दो फेबन कहता है नो वे बट जेंटलनेस जेंटली जेंटली यानी हाँ सही कहा तुमने सर टूबे हमें बस जेंटल वे के अंदर यानी बहुत ना शरीफों की तरह या मतलब बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसके साथ डील करना होगा जेंटली जेंटली का मतलब यही है कि मतलब खामोश होकर या सुकून के साथ इसके साथ डील करना होगा द फीड इज़ रफ़ यानी इसके अंदर जो शैतान है ना वो रफ़ है यानी वो बहुत ताकतवर है या वो बहुत ही मतलब बुरी शक्तियों वाला है एंड विल नॉट बी रफली यूज इसलिए हम उसके साथ रफली यूज नहीं कर सकते यानी उसको हम बुरा ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने उसके साथ बुरा ट्रीट किया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा तो उसे टोबी तो कहता है व्हाई हाउ नाउ माय बोकॉक बोकॉक अब क्या होता है बोकॉक गुड फेलो को भी कहते हैं ये जो बोकॉक है ना ये फ्रेंच की टर्म है जिसका मतलब होता है हैंडसम रूस्टर तो वैसे यहाँ पे इंग्लिश के अंदर यहाँ पे इसका मतलब है फाइन फैलो या गुड फैलो यानी मेरे प्यारे दोस्त तुम कैसे हो हाउ डोज दाओ चक चक जो है ये चिकन के लिए यानी चूजे का जो बच्चा होता है छोटा सा उसके लिए ये इनफॉर्मल टर्म यूज़ की जाती है चक या फिर किसी बच्चे के लिए जो कि बहुत प्यारा होता है उसके लिए भी ये टर्म यूज़ की जाती है तो पहले उसने कहा कि मतलब मेरे प्यारे फैलो तुम कैसे हो फिर कह रहा है कि मतलब मेरे प्यारे चक यानी मेरे खूबसूरत दोस्त तुम कैसे हो अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पहली ये जो लाइन है बॉकॉक ये उसने डेविल को हो और दूसरी लाइन जो है वो डायरेक्ट मेलवोलियो के लिए कही हो तो मेलवोलियो कहता है सर यानी क्या कहा तुमने सर टू बी कहता है ए बी डी बी डी का मतलब था यंग बर्ड यानी परिंदे के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है यानी ए मेरे प्यारे दोस्त कम विद मी चलो तुम मेरे साथ चलो वॉट मैन फिर अब वो मेलवोलियो है अब डायरेक्टली उससे मुखातिब होते हैं यानी उससे एड्रेस होते हुए कह रहा है यानी क्या है यार तुम्हें टिस नॉट फॉर ग्रेविटी यानी ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ग्रेविटी का मतलब है कि यानी तुम्हारी नेचर के लिए या तुम्हारे बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है टू प्ले एट पिट चेरी पिट का मतलब होता है चिल्ड्रन प्ले यानी बच्चों की तरह खेलना यानी ये जो तुम बच्चों की तरह खेल रहे हो या मतलब गेम खेल रहे हो हमारे साथ मतलब इस तरह से प्रोसेस्ड होने का नाटक कर रहे हो विद सेटन शैतान के साथ मेलवोलियो तुम ये जो शैतान के साथ बच्चों वाला खेल खेल रहे हो ना ये तुम्हारी नेचर के नेचर के लिए या फिर बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, है। हैंग हिम यानी उसके साथ लड़ो हैंग हिम का मतलब है कि यानी इसको लटका दो या इसके साथ लड़ो शैतान के साथ फाउल कॉलियर क्योंकि ये शैतान जो है ना ये फाउल कॉलियर है अब कॉलियर क्या होता है कॉलियर कहते हैं जो माइंड में काम करने वाला आदमी होता है ना जो कान में काम करता है और वो काफी मतलब गंदा हो जाता है कोयले की कान में अगर वो काम कर रहा है तो काफी गंदा दिखाई देता है तो यहाँ पे ये वर्ड जो सटूबे है ना उसने डेविल के लिए यूज किया है कि ये जो डेविल है ना ये एक झूठा कॉलियर है यानी जिस तरह से एक कान में काम करने वाला आदमी गंदा होता है ना उसी तरह से ये डेविल गंदा है और झूठा है। तो उसके जवाब में फिर मारिया कहती है गेट हिम टू से मेलवोलियो जो है ना इससे इसको ना इसकी प्रेयर्स मांगने पर मजबूर करो गुड सरटूबे यानी सरटूबे से कह रही है गेट हिम टू प्रे यानी इसको मजबूर करो कि ये दुआ मांगे तो मेलवोलियो फिर कहता है माई प्रेयर्स मेन्स मिंग्स का जो वर्ड है ना ये दो तरह से यूज़ किया जाता है मिंग्स वैसे ऐसी औरत को भी कहते हैं जो कि अपने मतलब ब्यूटी को यूज़ करते हुए यानी अपनी सेक्सुअल अपील को यूज़ करते हुए आदमियों को आ, मतलब एक्सप्लॉइड करती है उनको मतलब नुकसान वगैरह पहुंचाती है और इसके अलावा ये जो है ये तवाज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर मिंग्स वो मारिया को कह रहा है मैं वो कहता है कि तुम मुझे दुआ मांगने के लिए कह रही हो मतलब मिंग्स तो मारिया कहती है नो आई वांट यू ही विल नॉट हेयर ऑफ गुडलीनेस तो मारिया जो है वो सटूबे से कहती है कि मै मतलब तुम्हें गारंटी दे सकती हूं कि ये कभी भी अच्छी बात नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर घुसा हुआ है तो कहता है तो लोग कहता गो यानी यानी जाओ यहां से से तुम सब लोग यहां से चले चीजें हो आई एम नॉट ऑफ योर एलिमेंट मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ तुमसे काफी ज्यादा ऊपर हूँ यू शैल नो मोर हेयर आफ्टर यानी तुम लोगों का ना मेरे बारे में और भी ज्यादा बहुत जल्द पता चलेगा एग्जिट ये कह के मेलबोली वहां से चला जाता है तो सर टू पर कहता है इज इट पॉसिबल अब सर टू पे जो है ना वो हैरान है मतलब वो हैरान इस बात के लिए है कि मेलवोलू जो है उसने कितना लेटर की बातों को दिल के ऊपर ले लिया है और वो कितना मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है तो इसलिए वो कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो मतलब लेटर की बातों को इतना ज्यादा सीरियस ले ले तो उसके जवाब में फेबिन कहता है इफ दिस वर प्लेड अपॉन अ स्टेज नाउ आई कुड कंटेम इट एज एन एम्प्रॉबेबल फिक्शन तो फेबन कहता है कि अगर ये जो कुछ भी यहां पर हुआ है ना जो मेलवोलो ने किया है ये एक स्टेज पर होता ना किसी प्ले में दिखाया जाता तो मैं इसके ऊपर कभी भी यकीन ना करता आई कुड कंटेमेंट का मतलब है कि यानी मैं इसकी खिलाफ वर्जी करता इट इज़ एज एन इम्प्रॉबेबल फिक्शन यानी मैं इसको कहता कि ये कभी भी दिखाया नहीं जा सकता ये फिक्शन का काम है जो कि रियलिटी में नहीं हो सकता मैं इसको ऐसे कहता अगर ये किसी स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाता लेकिन ये हो रहा है रियलिटी के अंदर तो उस टोपे कहता है हिज़ वेरी जीनियस हैथ टेकन द इनफक्शन अब जीनियस कहते हैं कि ये इंसान के अंदर ऐसी स्पिरिट होती है जो कि इंसान के कामों को रूल करती है जो कि मतलब उसको उससे काम करवाती है जो कि जो आदमी जो भी काम करता है ना वो उसी की वजह से करता है तो यहाँ पे जीनस का मतलब यही है कि मतलब सर टूबे कह रहा है कि मेलवोलियो जो है ना उसकी जो जीनस है जो उसके काम करने की ताकत है या जो उसकी स्पिरिट है जो कि उससे काम करवाती है ना वो पूरी तरह से इस बात से यानी इस डिवाइस से ये जो हमने साजिश की थी इससे पूरी तरह से इन्फेक्ट हो गई है यानी ये बंदा जो है ये पूरी तरह से उस लेटर में घुस गया है तो मारिया कैसे कहती है नहीं पर हिम नाउ यानी मारिया कहती है हां ठीक कहा तुमने अब ऐसा करो कि इसका पीछा करो तो लेस द डिवाइस टेक एयर एंड टेंट टेक एयर का मतलब है कि यानी इससे पहले कि हमारी जो साजिश थी ना वो हवा में उड़ जाए यानी वो ख़त्म हो जाए या फिर कमजोर हो जाए टेंट यानी कमजोर हो जाए हमें इसका पीछा करना चाहिए तो फेबिन कहता है वाय वी शल मेक हिम मैड इन डीड तो फेबिन फिर कह रहा है कि मुझे लगता है कि हम ना इसे सही में पागल बनाकर ही छोड़ेंगे तो हमारे आगे कहती है द हाउस विल बी क्वाटर तो हमारे कहती है कि अगर हमने इसको पागल बना दिया ना तो ये घर जो है ये और भी ज्यादा शांत हो जाएगा यानी सुकून में आ जाएगा जैसे तो भी कहता है कम चलो मेरे साथ वी विल हैव हिम इन अ डार्क रूम हम क्या करेंगे हम इसको एक डार्क रूम के अंदर बंद कर, दे, कर देंगे एंड बाउंड और इसको वहीं पर बांध देंगे माई नीस इज ऑलरेडी इन द बिलीफ दैट ही इज मैड यानी मेरी भतीजी जो है वो पहले से ही मानती है कि ये पागल हो गया है वी मे कैरी इट दस और हम ये जो हमारा नाटक है कि ये पागल हो गया है इसको इसी तरह से लेकर चलेंगे फॉर आर प्लेजर एंड हिज पेनेंस ताकि हम अपनी खुशी जो है उसको फील कर सकें यानी अपनी ख़ुशी के लिए इसको आगे लेकर चलेंगे इस प्रैंक को उसके साथ साथ ये जो मेलबोलियो है इसने जो हमारे साथ मतलब बुरे बुरा सलूक किया है उस उसके बदले के लिए यानी इसका जो बुरा सलूक है उसका बदला लेने के लिए और अपनी खुशी के लिए प्रैंक को आगे लेकर चलेंगे टिल आर वेरी पास्ट टाइम जब तक कि हमारा ये जो पास्ट टाइम है हमारी ये जो मतलब इंटरटेनमेंट है ना टायर्ड आउट ऑफ breath, टायर्ड ऑफ ऑफ breath का मतलब है कि जब जब तक मतलब हम इससे खुश नहीं हो जाते जब तक हम इससे सेटिसफाई नहीं हो जाते ना प्रॉम्प्ट अस टू हैव मर्सी ऑन हिम यानी जब तक हमारा हमारी ये जो इंटरटेनमेंट है ये हमें मजबूर नहीं कर देती यानी ये थक हार कर हमें मजबूर कर दे कि हम इसके ऊपर रहम करें तब तक ही हम जो है ना वो अपना ये खेल इसके ऊपर जारी रखेंगे एट विच टाइम वी विल ब्रिंग द डिवाइस टू द बार तो तब जाकर हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइस है ना ये जो साजिश हमने की है इसको हम बार की तरफ लेकर जाएंगे बार का मतलब है यानी इंसाफ के दरवाजे की तरफ लेकर जाएंगे एंड क्राउन दी फॉर अ फाइंडर ऑफ मैड मैन और क्राउन दी दी यहाँ पे वो मारिया को कह रहा है कि मारिया तुम्हें हम ना एक ताज पहनाएंगे कि तुमने एक मैड मैन को यानी एक पागल आदमी जो है उसको खोजा है मेलवोलियो जो है यानी उसको पागल बना दिया है इसलिए हम तुम्हें ताज पहनाएंगे बट सी बट सी यानी अभी वो ये बात खत्म ही करता है तो सर टूबे देखता है कि सर एंड्रू ऑक्चिक जो है वो आ गया है तो वो कहता है देखो देखो एक और आदमी आ रहा है और वो कौन है इंटर सर एंड्री ऑक्चिक सर एंड्रू ऑक्चिक वहां पे आता है फेबिन कहता है मोर मैटर फॉर मई मॉर्निंग यानी मई की इस सुबह के लिए ना हमारे पास अब और ज़्यादा मतलब मैटर मैटर का मतलब है कि यानी हमें हमें ना इंटरटेन होने के लिए अब और ज़्यादा मौका मिल गया है कि पहले मतलब हमने मेलवोलियो का मजाक उड़ाया और उसको देखकर हम इंटरटेन हुए अब सर एंड्रयू ऑब्जिक जो है ये आ गया है और अब ये हमें इंटरटेन करेगा तो सर एंड्री कहता है हेयर्ज द चैलेंज यानी यह रहा वो लेटर जो कि मैंने लिखना था रीड इट यानी इसे पढ़ो आई वॉर देयर्स वेनेगर एंड पेपर इन इट यानी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इस लेटर के अंदर वेनेगर और पेपर है अब वेनेगर और पेपर जो है इसका लिटरल मीनिंग ये है कि इसके अंदर मतलब ऐसी मैंने बातें लिखी हैं जिससे उसको मिर्चें लगेंगी यानी से जारी को मिर्चें लगेंगी कि यहाँ फिर उसको बुरा लगेगा तो फैबिन कहता है इज़ इट सो सॉसी यानी क्या ये इतना सोसी है यानी क्या तुमने इस लेटर के अंदर इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं सोसी का मतलब है कि यानी क्या इसके अंदर इतनी बड़ी कमाल की बातें तुमने लिख दी हैं तो सर कहता है ए हाँ इज इट बिल्कुल ऐसा ही है आई वारंट हिम वारंट हिम का मतलब है कि यानी मैं सजारियो को ना वारंट करता हूँ यानी मैं उसको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा सॉसी है डू बट रीड फिर वो सर एंड्री से कहता है कि सर एंड्री फिर वो सर टूबे से कहता है कि सर टूबे तुम ना बस इस लेटर को पढ़ो तो सर टूबे जो होता है वो पढ़ता है वो कहता है गिव मी यानी मुझे दो लेटर और ये कहने के बाद वो लेटर खोलता है और उसको पढ़ता है अब यहाँ पे वो लेटर पढ़ रहा है लेटर के अंदर लिखा है यूथ यानी ए नौजवान वट्स वो एवर दा आट तुम जो कोई भी हो दा वॉट बट स्कर्वी फेलो यानी तुम एक मामूली इंसान हो चेबन कहता है गुड एंड वेलियंट यानी कि तुमने बहुत ही कमाल की और बहादुरों वाली लाइन लिखी है सटूबे जो होता है ना वो फिर से रीड करना शुरू करता है आगे वाली लाइन उसमें लिखा होता है वंडर नॉट यानी तुम हैरान मत हो नोर एडमायर इन दाई माइंड और ना ही मतलब अपने माइंड के अंदर अंदर ये चीज़ जो है इसकी इसके बारे में हैरान होकर सोचो कि वाई आई डू कॉल दिस हो कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूँ फॉर आई विल शो द नो रीज़न फॉर इट क्योंकि मैं मैंने जो ऊपर पहली लाइन के अंदर तुम्हें बात की है ना कि तुम मतलब एक मिजरेबल या स्कर्वी इंसान हो यानी एक मामूली इंसान हो तो इस बात के कहने का मैं तुम्हें कोई भी रीज़न नहीं दूंगा कि मैंने ये तुम्हें बात क्यों कही है

आए थे एंड इन माई साइड शी यूज दी काइंडली और मैं भी मतलब ओलिविया को देख रहा था जब ओलिविया ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया यानी काइंडली का मतलब है यानी उसने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया बट लेकिन दाओ लाइस इन दाई थ्रॉट दाओ लाइस इन द थ्रॉट का मतलब है कि यानी तुम एक बहुत बड़े झूठे हो दैट इज़ नॉट द मैटर लेकिन ये वो बात नहीं है आई चैलेंज दी फोर जिसके लिए मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ तो फेबिन कहता है वेरी ब्रीफ यानी ये तो बड़ा ही मतलब तुमने शॉर्ट वे के अंदर और मतलब बहुत ही साफ साफ लाइनें लिखी हुई है एंड टू एक्सीडिंग गुड सेंस और इससे मतलब तुम्हारी गुड सेंस जो है अच्छा ह्यूमर जो है वो भी शो हो रहा है अब इतना कहने के बाद ना आगे उसने कह दिया लेस अब ये जो लेस है ना ये वर्ड जो है ये उसने इतना आहिस्ता बोला कि मतलब सिर्फ मारिया को और जो सर्ट उबे है उसको सुनाई दिया सर एंड्रू को सुनाई नहीं दिया तो लेस का मतलब है कि यानी ये जो पहले इसने बात की है ना ये उसकी ऑपोजिट कह रहा है मतलब ऐसे उसने कहा कि फेबिन कह रहा है कि सर एंड्रू तुमने तो मतलब बड़ी कमाल की यानी शॉर्ट वे के अंदर और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बात की है और फिर वो आहिस्ता से कहता है बिल्कुल बकवास बात की है इस तरह से तो में फिर से लाइन पड़ता है और आगे लिखा होता है आई विल वेव ले गोइंग होम वे ले का मतलब होता है रास्ते के अंदर बैठना यानी किसी के ऊपर हमला करने के लिए ताक में किसी की ताक के अंदर हमला करने के लिए रास्ते के अंदर बैठना तो वेव ले का मतलब है कि यानी मैं ना जब तुम घर जा रहे होगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में बैठूंगा वेयर जहां पर इफ़ इट बी दाई चांस टू किल मी जहां पर हो सकता है कि मतलब तुम्हें मुझे मारने का मौका मिल जाए तो फेबिन फिर से कहता है गुड यानी बहुत कमाल की तुमने लाइन लिखी है यानी अब यहाँ पे ना आप नोट कर सकते हैं कि सर एंड्रयू जो है वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है उसने लेटर इस तरह से लिखा है कि उस लेटर के अंदर मतलब उसको धमकाना तो शजारी को चाहिए था लेकिन वो सारी बातें अपने ऊपर लगा रहा है कि मतलब तुम्हें मुझे मारने का मौका मिल सकता है तो सर टूबे फिर से रीड करता है दाओ किलेस मी लाइक अ रॉग एंड विलन यानी हो सकता है कि मतलब तुम्हें रास्ते में मुझे मारने का मौका मिल जाए और तुम मुझे एक मतलब कमीने इंसान की तरह और एक बदमाश की तरह मुझे वहां पर मार दो इवन फिर से कहता है सिल यू कीप ऑफ द विंडी साइड ऑफ द लॉ गुड यानी सर एंड्रयू आपने ये वाली लाइन लिख करना, आप अभी भी विंडी साइड पर हैं विंडी साइड का मतलब है कि यानी सही साइड के ऊपर हैं कि इस लाइन से भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या कोई कानून भी आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आपने लेटर ही इस तरह से लिखा है तो सर टूबे फिर से रीड करता है फेयर दी वेल अलविदा मेरे दोस्त एंड गॉड है अपॉन वन ऑफ आर सोल्स और खुदा जो है वो हम दोनों में से किसी एक की सोल के ऊपर रहम फरमाए ही मे है अपॉन माइंड और मुझे यकीन है कि खुदा जो है वो मेरी रूह के ऊपर रहम ज़रूर फरमाएगा बट लेकिन माई होप इज़ बैटर मुझे बेहतर उम्मीद है एंड सो लुक टू दाई सेल्फ इसलिए तुम्हें अपनी तरफ देखना चाहिए यानी यहाँ पे ना सर एंट्री कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं गोड से मतलब दुआ करूंगा कि खुदा जो है ना वो हम दोनों में से किसी एक की रूह के ऊपर रहम फरमाए लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जो हूं ना वो तो जीत जाऊँगा इसलिए मैं चाहूँगा कि खुदा जो है वो तुम्हारी रूह के ऊपर रहम फरमाए या फिर वैसा कहना चाह रहा है कि मैं ये बात तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम खुदा से मतलब दुआ करो कि खुदा जो है वो तुम्हारी रूह के ऊपर रहम फरमाए दाई फ्रेंड यानी मैं जो हूं ना मैं वो हूँ जो कि तुम्हारा दोस्त हूँ एज दाव यूज मी और मैं तुम्हारा वैसे ही दोस्त हूँ जैसे तुमने मुझे ट्रीट किया है यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं मतलब तुम्हारा एक दोस्त हूँ जो कि ये तुम्हें लेटर लिख रहा है लेकिन मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ कि जो तुम तुम्हारे साथ ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे तुमने उसके साथ ट्रीट किया है एंड दिन एनिमी और मैं तुम्हारा दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारा एक बहुत ही बड़े वाला दुश्मन हूँ स्वॉन एनिमी का मतलब है बहुत बड़ा दुश्मन हूँ तो एंड्रब्जेक्ट और एंड पे उसने नाम लिखा होता है तो फिर कहता है, दिस लेटर पढ़ने के बाद भी, जो है ना, वो जगह से ना हिला ना तो समझ जाना कि ये लेटर पढ़ने के बाद उसकी टांगे जो है वो कांप रही होंगी इसलिए वो नहीं हिला अपनी जगह से आई गिव इट हिम यानी मैं ये लेटर उसे दे दूंगा तुम्हारे कहती है यू मे ओकेजन फॉर इट यानी सर एड्रियो तुम्हारे लिए ना, ये बहुत ही अच्छा मौका है ही इज नाउ इन सम कॉमर्स विद माई लेडी कॉमर्स का मतलब होता है कोई लेन देन के मामले के अंदर बात करना तो यहाँ पे मारिया कहती है कि सर टूबे तुम्हारे लिए ना ये बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम ये लेटर जो है ना वो सिजारियों को दे दो क्योंकि सिजैरियो जो है वो अभी मेरी लेडी के साथ कोई मतलब बात वगैरह कर रहा है किसी मामले के अंदर यानी वो मेरी लेडी के साथ ही है अंदर एंड विल बाय एंड बाय डिपार्ट और बहुत जल्द जो है ना वो यहाँ से चला जाएगा बाय एंड बाय का मतलब होता है सोन यानी बहुत जल्द वो यहाँ से चला जाएगा तो सर टूबे कहता है गो सर एंड्री यानी सर एंड्री अब तुम जाओ स्काउट मी फॉर हिम एट द कॉर्नर ऑफ द ऑर्चर्ड लाइक अ बम वैले अब ये जो यहाँ पे है ना स्काउट मी ये इससे पहले भी इस तरह से ना एक टर्म आई थी जो मैंने आपको वहां भी समझाई थी मैं फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो मी का वर्ड है ना ये आइडिया के लिए यूज किया जाता है जैसे हमें कहता हूँ ना कि मैं कहूँ कि अचानक मैं कहूँ कि मुझे ना एक आइडिया आया है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा मी तो यहाँ पे सर टूबे भी यही वर्ड यूज कर रहा है कि मी यानी इसको इस लाइन को ना इस तरह से पढ़ो कि मी स्काउट फॉर हिम एट द कॉर्नर इस तरह से पढ़ो तो यहां पे वो कह रहा है कि मुझे ना एक आइडिया आया है सर एंड्रयू तुम ऐसा करो कि स्काउट फॉर हिम स्काउट का मतलब है यानी तुम छुप करना इंतजार करो कहां पर एट द कॉर्नर कोने के अंदर ऑफ द ऑर्चर्ड यानी वो जो बाग है ना उसके कोने के अंदर बैठकर तुम इंतजार करो लाइक अ बम बैले बम बैले जो टर्म है यू ये यूज की जाती थी ऐसे ऑफिसर के लिए जो कि ऐसे लोगों को पकड़ता था जो कि अपना कर्ज नहीं दे पाते थे यानी ये भी एक ऑफिसर होता था जो कि कर्जा ना देने वालों को पकड़ता था तो यहाँ पे सर टूबे यही कह रहा है कि सर एंट्री तुम ऐसा करो कि बिल्कुल बम बैले की तरह ना जिस तरह से वो कर्जा ना देने वालों को छुप पकड़ता था बिल्कुल उसी तरह से ना तुम चेरी ऑर्चर्ड

कि एक जो मतलब भयानक औत होती है ना जो कसम होती है यानी किसी के साथ लड़ने से पहले जो भयानक एक कसम होती है ना या जो एक स्पीच होती है या एक डायलॉग वगैरह होता है भारी वाला तो वो जो डायलॉग होता है ना भयानक विद अ स्वेगरिंग एक्सेंट स्वेगरिंग का मतलब होता है प्राउड वाला यानी फख्र के साथ एक्सेंट यानी लहजे के अंदर शार्पली ट्रैंगड ऑफ ट्रैक्ड ऑफ का मतलब है यानी ऐसा कहा गया है कि एक भयानक कसम जो होती है ना जो कि लड़ने से पहले ली जाती है और जो कि एक बहुत ही प्राउड वाले लहजे के अंदर और एक बहुत ही गूंजने वाली आवाज़ के साथ मतलब वो कसम खाई जाती है ना उससे क्या होता है कि गिव्स मैनहुड वो ना एक मर्द को ना मोर अप्रोपेशन यानी अप्रोपेशन का मतलब है क्रेडिट यानी उसको ना क्रेडिट दे देती है देन एवर प्रूफ इट्स सेल्फ वुड हैव अर्नड हिम यानी एक आदमी जो है ना वो अगर किसी के साथ जंग में जाके लड़ता है ना तो उसको इतना क्रेडिट उसके लड़ने से नहीं मिलता जितना उस लड़ाई को शुरू करने से पहले जो वो एक डायलॉग बोलता है ना मतलब एक भयानक अंदाज के अंदर अंदर कसम खाता है या डायलॉग बोलता है और वो डायलॉग जो के वो एक मतलब गरूर वाले लहजे के अंदर एक्सेंट के अंदर और एक मतलब गूंजने वाली आवाज़ के अंदर बोलता है वो डायलॉग जितना ज़्यादा उसे मतलब फ़ेमस करता है या जितना ज़्यादा उसे क्रेडिट देता है ना उसकी बहादुरी का उतना ज़्यादा क्रेडिट तो वो जंग भी नहीं देती या वो लड़ाई भी नहीं देती जो कि वो लड़ने के लिए जा रहा होता है अच्छा अब फिर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ सर एंड्रयू तो सर एंड्रयू जो होता है वो कहता है नहीं लेट मी अलोन फॉर स्वेयरिंग तो सर एंड्रयू कहता है ठीक है ठीक है अब मुझे ना मतलब मैं जो हूँ ना वो स्वेयरिंग करूंगा यानी मैं जो हूँ ना वो उसको स्वेयर करके यानी कसम खा के या इस तरह का डायलॉग बोल के ही डरा दूंगा सजारियो को तो ये कह के वो एग्जिट वहाँ से चला जाता है सर टूबे कहता है नाउ विल नॉट आई डिलीवर हिज लेटर अब जब सर एंड्रयू ऑब्जेक्ट चला गया ना तो सर टूबे कहता है कि मैं ये लेटर जो है ना ये सजारिय को कभी भी डिलीवर नहीं करूंगा का मतलब है यानी वो एक समझदार है और ब्रीडिंग का मतलब है, वो एक अच्छे से है तो यहाँ पे सर टूबे कह रहा है कि मैंने ना सीजे जो है जो यंग जेंटलमैन है उसको नोट किया है कि वो एक मतलब सेंसिबल आदमी है समझदार आदमी है और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है His एम्प्लॉयमेंट बिटवीन हिज लॉर्ड एंड माई नीस confirms नो no लेस यानी उसका जो मेरी भांजी और उसके मालिक के दरमियान जो इम्प्लॉयमेंट है यानी मैसेज जो है इधर से उधर लेकर जाने का जो उसका काम है ना उसने मुझे इससे कम बातें नहीं बताई यानी मुझे कंफर्म कर दिया है कि वो एक अच्छा आदमी है सेंसिबल आदमी है और अच्छे ख़ानदान का आदमी है देयरफॉर इसलिए दिस लेटर ये जो लेटर है ना बींग सो एक्सीलेंटली इग्नोरेंट क्योंकि ये लेटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा गुमराह करने वाला है या बेवकूफ़ों वाला है विल ब्रीड नो टेरर इन द यूथ और ये जो लेटर है ना ये उस यूथ के अंदर उस नौजवान के अंदर बिल्कुल भी खौफ पैदा नहीं करेगा ही विल फाइंड इट कम्स फ्रॉम अ क्लॉड पोल क्लॉड पोल का मतलब है यानी एक बेवकूफ़ सरफिरा यानी वो आदमी समझेगा यानी वो सजारियो जो है ना वो समझेगा कि ये लेटर जो है ये किसी बेवकूफ ने सरफिररे ने लिखा है बट लेकिन सर जनाब आई विल डिलीवर हिज चैलेंज बाय वर्ड ऑफ माउथ लेकिन मैं क्या करूँगा कि सर एंड्रयू का ये जो लेटर है ना ये जो चैलेंज है यानी उसने जो मुझे ये लेटर दिया है कि मैं मुकाबले के लिए इनवाइट करूँ से जहरी को तो ये मैं लेटर के ज़रिए नहीं बल्कि वर्ड्स के जरिए यानी अपने ख़ुद के वर्ड्स के ज़रिए मुंह से निकाले हुए ख़ुद के वर्ड्स के ज़रिए ना उसको चैलेंज करूँगा सेट अप ऑन ऑक्चिक अन नोटबल रिपोर्ट ऑफ वलर वेलर यानी बहादुर और मैं क्या करूँगा कि ऑक्चिक को ना सजारियो की नज़रों के अंदर ना एक बहादुर सिपाही जो है ना वो बनाकर पेश करूँगा एंड ड्राइव द जेंटल और ये जो जेंटल है शेजारे जो है ना इसको मैं लेकर जाऊँगा एज़ आई नो हिज़ यूथ विल एप्टली रिसीव इट क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मतलब शिजार्यू है ना ये एक नौजवान है और क्योंकि इसने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की यानी इसके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तजर्बा नहीं है कभी इस, इसने किसी से जंग नहीं लड़ी इसलिए इसको ना लोगों के बिहेवियर के बारे में या उनके नेचर के बारे में जो सिपाही होते हैं उनके नेचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता इसलिए ये मेरी बातों को यकीन कर लेगा यानी मेरी बातों बातों के ऊपर यकीन कर लेगा कि औचिक जो है वो एक बहुत ही बहादुर सिपाही है इन टू अ मोस्ट हीडियस ओपिनियन ऑफ हिज़ रेग इसका मतलब है कि यानी वो कैसे यकीन करेगा वो समझेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेग यानी गुस्से वाला आदमी है हीडियस ओपिनियन का मतलब है कि यानी हीडियस यानी खौफजदा ओपिनियन यानी फैसला यानी ये जो ऑब्जिक है ना उसका ये बहुत ही खौफसदा करने वाला फैसला है जो कि उसने बहुत ही गुस्से के अंदर लिया है स्किल और वो बहुत ही एक स्किल वाला आदमी है fury, फ्यूरी फ्यूरी का मतलब भी है यानी तेज़ यानी जो कि बहुत तेज़ काम करता है इम्पैचुअसिटी इम्पेचुअसिटी का मतलब है लापरवाह यानी जो कि मारने में कभी भी नहीं देखता यानी जहाँ पे भी अगर उसके दुश्मन को लग जाए वार तो वो बिल्कुल भी नहीं परवाह करता और ये ऐसा आदमी है ये वो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब सेजारे को मैं ये सारी बातें ऑक्ची के बारे में बताऊँगा दिस विल सो फ्राइट दैम बोथ दैट दे विल किल वन एन अदर द लुक लाइक कॉक यानी वो कहता है कि ये जो बातें हैं ना जो मैं ऑक्चिक को बताऊंगा तो उससे क्या होगा कि वो दोनों ना एक दूसरे से इतने ज्यादा डर जाएंगे वो ना एक दूसरे को ही देखते मार देंगे बिल्कुल कोक ट्राइसिस की तरह अब कॉक ट्राइसिस क्या होता है कि ये ना एंशियट मिथोलॉजी के अंदर एक ऐसा जानवर है जिसका चेहरा जो है मुंह जो है वो एक मुर्गे की तरह है और बाकी जो बॉडी है वो एक ड्रैगन की तरह है तो ये वो यहाँ पे कह रहा है तो फेबिन फिर कहता है हियर ही कम्स विद योर नीज फेबिन कहता है कि वो देखो सजारी जो है वो आपकी भांजी के साथ आ रहा है अच्छा ये जो नीस है ना इसका मतलब भांजी या भतीजी होता है मैं इसमें कंफ्यूज हूँ तो आप खुद ही इसको देख लेना भी क्या होता है तो गिव दैम वेई टिल ही टेक लीव फेबिन यहाँ पे सटुबे को कह रहा है कि तुम ऐसा करो कि ओलिविया और शिजारी को यहाँ पे रास्ता दे दो यानी उनको यहाँ पर आकर बात करने दो और जब तक सिजैरियो चला नहीं जाता तब तक वेट करो एंड प्रेजेंटली आफ्टर हिम और जैसे ही वो जाने लगे ना सिजारियो तो उसके पीछे तुम हो देना तो ओसर भी कहता है आई विल मेडिएट द वल्ड अपॉन सम हॉरिड मैसेज फॉर अ चैलेंज तो ओसा भी कहता है कि ठीक है मैं तब तक यहाँ पर इंतजार करता हूँ और जब तक मैं इंतज़ार करता हूँ ना मैं एक ऐसा मैसेज यानी हॉरिड यानी एक खौफजदा मैसेज जो है ना वो तैयार करता हूँ जो कि मैंने ऑब्जिक की तरफ से सजारियों को देना है

उसको बगैर किसी एहतियात के अनचहरी का मतलब है ओपनली यानी खुले तौर पर यानी बगैर किसी एहतियात के तुम्हारे सामने रख दिया है देर समथिंग इन मी दैट वे प्रूव्स माई फॉल्ट फिर कहती है मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मेरी इस गलती को ना मतलब मुझे डांट रही है मेरी इस गलती के ऊपर मुझे डांट रही है बट लेकिन सच अ हेड स्ट्रॉन्ग पॉटेंट हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब है यानी डिस यानी गुनागारों वाला पॉटेंट यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल फॉल्ट यानी गुनाह यानी मैंने ये जो गुनागारों वाला इतना बड़ा गुनाह किया है ना इट इज दैट इट बट मॉक्स रिप्रूफ लेकिन मैंने जो इतना बड़ा गुनाह किया है ना तो वो गुनाह जो है वो इतना बड़ा है कि मेरा जो उस गुनाह को डांटना है ना तो वो गुनाह जो है ना मेरे उस गुनाह को डांटने पर उस डांटने के ऊपर हंस रहा है यानी मैंने उस गुनाह को डांटा ना अपने अंदर मतलब मैंने उसको मलामत किया कि मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो जो मेरे अंदर वो गुनाह है ना जो मतलब मैंने बुरा काम किया था वो अंदर से मेरे ऊपर हंस रहा था कि मैं उसको क्यों डांट रहा हूँ यानी यहाँ पे सीधा वो ये कहना चाह रही है कि मुझे ये गुनाह करने में बहुत ज्यादा मजा आया तो वायला फिर कहती है विद द सेम हैवियर दैट योर पैशन बियर्स गोज ऑन माई मास्टर्स ग्रीफ अब यहाँ पे हैवियर का मतलब है बिहेवियर ये यहाँ पे कट किया हुआ वर्ड है तो यहाँ पे बिहेवियर है इसका मतलब तो वायला कहती है कि ये जो कुछ आप फील कर रही हैं ना मेरे लिए यही पैशन यानी यही जुनून जो है वो मेरा मास्टर जो है वो आपके दुख में फील कर रहा है यानी आप उसको उसके लव को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो उसका अब जो मतलब दुख है ना उस दुख का जो जुनून है वो आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप यहाँ पर मेरे लिए फील कर रही हैं कि मैं आपका मतलब लव जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ओलिविया कहती है हेयर वे आर दिस ज्यूल फार्मिंग फिर ना वो उसको एक ज्वेलरी देती है और कहती है ये जो ज्लरी है ना मेरे लिए इसको पहन लो टेस माई पिक्चर यानी इसके ऊपर मेरी पिक्चर है यानी इस ज्वेलरी के ऊपर मेरी पिक्चर है रिफ्यूज इट नॉट यानी अब तुम इसको लेने से इनकार ना करना इट हैथ नो टन टू वैक्स यू यानी ये जो पिक्चर मैं दे रही हूँ या ये जो ज्लरी मैं तुम्हें तोहफ़े के लिए दे रही हूँ ना इसके पास कोई भी ऐसी जुबान नहीं है कि जिससे ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सके वैक्स का मतलब है यानी डिस्टर्ब करना या नुकसान पहुंचाना या परेशान करना यानी ये जो मैं तुम्हें ज्वेलरी दे रही हूँ ये तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगी इसलिए डरो ना ले लो एंड आई बी सीच यू और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कम अगेन टुमारो कल भी आना वट शैल यू आस्क ऑफ मी दैट आई डी नाई देट ऑनर सेव्ड मे अपॉन आस्किंग गिव और यानी तुम कल आना और कल आकर तुम जो भी चीज़ मांगोगे ना मैं वो तुम्हें दूंगी जब तक के वो मतलब मेरी इज्जत के ऊपर ना हो यानी जब तक के वो चीज जो तुम मांगोगे ना वो मेरे ऑनर के खिलाफ ना हो मैं वो चीज़ जो है ना वो तुम्हें देने से इनकार नहीं करूंगी तो वाला फिर कहती है नथिंग बट दिस यानी मैं तुमसे कोई भी चीज़ नहीं मांगता बट दिस मैं सिर्फ यही मांगता हूँ योर ट्रू लव फॉर माई मास्टर यानी ये जो तुम्हारा सच्चा प्यार है ना जो तुम मेरे लिए दिखा रही हो मैं बस यही प्यार अपने मास्टर के लिए मांगता हूँ अलीवि कहती है हाउ with mine ऑनर मे आई गिव हिम दैट विच आई हैव गिवन टू यू तो ओलिअस को जवाब में कहती है कि मैं ये जो प्यार है ये तो मैंने मतलब तुम्हें दे दिया था और पूरे ऑनर के साथ यानी पूरी इज्जत के साथ मैंने दिया था और अब उसी इज़्ज़त के साथ वो ही जो प्यार है वो मैं तुम्हारे मास्टर को कैसे दे दूँ क्योंकि वो तो मैंने तुम्हें दे दिया था तो वाले आगे से कहती है आई विल एक्विट यू यानी एकुइट का मतलब है कि यानी मैं तुमसे तुम्हें, तुम्हें ना आज़ाद करता हूँ यानी तुमने जो मुझे प्यार दिया था मैं तुम्हें वो वापस देता हूँ और तुम्हें उस प्यार से आज़ाद करता हूँ तो अलवि कहती है वेल कम अगेन टुमारो तो अलविया जो होती है ना वो उसकी इस बात के ऊपर गौर नहीं करती और कहती है तुम कल ज़रूर आना फेयर दी वेल यानी अब तुम यहाँ से जाओ अलविदा अ फीन लाइक दी माई बियर माई सोल टू हेल यानी तुम जो होना वो चाहे मेरे लिए एक फीन की तरह यानी एक शैतान की तरह हो लेकिन अगर शैतान इतना खूबसूरत होना तो वो मेरी रूह को जहन्नुम भी ले जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है यानी वो कहती है कि अगर शैतान जो है ना वो तुम्हारी तरह होते हैं ना इतने खूबसूरत तो अगर वो मेरी रूह को जहनुम भी ले जाना तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है एग्जिट ये कहकर वो वहाँ से उलिविया चली गई तो रिंटर सटुबे बेल्च एंड फेबियन तो ये दोनों यहाँ पर आते हैं सटूबे कहता है जेंटलमैन यानी ए जेंटलमैन गॉड सेव दी यानी खुदा तुम्हारा भला करे तो वाला कहती है एंड यू सर यानी खुदा तुम्हारा भी भला करे तो सर तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा डिफेंस है ना तुम्हें बचाने के लिए जो भी तुम्हारे पास चीज है बी टेक दी टू इट यानी वो अपने साथ ले लो या उसके पास चले जाओ ऑफ व्हाट नेचर द रोंग आर दाउ हैम यानी पता नहीं तुमने कौन सा ऐसा गुनाह जो है या फिर ऐसी कौन सी ज्यादा जो है वो तुमने उसके साथ की है हिम यहाँ पे वो ऑप्चिक को कह रहा है आई नो नॉट यानी मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह या ऐसी कौन सी गलती जो है वो उसके साथ की है बट दंटरसेप्टर इंटरसेप्टर कहते हैं अटैकर यानी तुम पर हमला करने वाला या तुम्हारा दुश्मन जो है असेलर भी इसको कहते हैं यानी तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला यानी तुम्हारा जो अटैकर है ना फुल ऑफ डिस्पाइट वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है ब्लडी एज द हंटर और वो एक शिकारी की तरह उसके ऊपर खून सवार है अटेंड्स दी एट द ऑर्चर्ड एंड और वो बाग के एक किनारे पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है इस माउंट दाय टक टक कहते हैं खंजर को यानी अपना खंजर जो है उसके ऊपर जो वो जो गुलाबसा सा होता है मतलब ढाल सी होती है वो निकालो यानी अपने खंजर को निकाल लो Be here in thy preparation. ईयर का मतलब है क्विकली यानी अपनी तैयारी जो है ना वो तेज से शुरू कर दो Far thy assailant is quick. क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जो है तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला जो है वो बहुत ज्यादा तेज है Skillful. वो बहुत ज्यादा माहिर है and deadly. और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तो वाला किसी कहती है यू मिस्टेक सर यानी जनाब आप एक गलती कर रहे हैं आई एम श्योर नो मैन हैथ एनी क्वल टू मी यानी मुझे यकीन है कि किसी भी आदमी की मेरे साथ कोई भी लड़ाई नहीं है या दुश्मनी नहीं है माई रिमेंबरेंस इज़ वेरी फ्री एंड क्लियर फ्रॉम एनी इमेज ऑफ ऑफेंस डन टू एनी मैन यानी मेरी रिमैम्बरेंस यानी मेरी मेमरी जो है ना मेरी याददाश्त जो है वो बिल्कुल खाली है और बिल्कुल क्लियर है यानी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसी इमेज नहीं है कि मैंने किसी आदमी को कोई नुकसान पहुंचाया हो तो उसके कहता तो है, यू विल फाइंड इट अदरवाइज़ यानी चलो कोई नहीं तुम्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा कि तुमने किसको क्या नुकसान पहुँचाया है आई अश्योर यू यानी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किस आदमी को क्या नुकसान पहुँचाया है इसलिए इफ यू होल्ड योर लाइफ एट एनी प्राइस अगर तुम्हें अपनी जान जो है वो किसी भी कीमत पर प्यारी है ना बी टेक यू टू योर गार्ड तो अपने गार्ड की तरफ़ यानी ऐसे आदमी की तरफ या ऐसी चीज़ की तरफ जो कि तुम्हें बचा सके उसकी तरफ चले जाओ या उसको अपने साथ ले लो फॉर योर अपोज़िट हैथ हिम वट यूथ स्ट्रेंथ स्किल एंड रैथ कैन फर्निश मैन विद आल क्योंकि तुम्हारा जो अपोज़िट है ना तुम्हारा जो दुश्मन है उसके पास वो ताकत वो हुनर वो गुस्सा यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक आदमी को Uh, मतलब माहिर बनाती हैं या एक सिपाही बनाती हैं ना ये वो सारी चीजें तुम्हारे उस ऑपोजिट uh, दुश्मन के पास हैं तो वाला किसे कहती है आई प्रे यू सर वट इज ही यानी जनाब अब वो थोड़ी सी डर गई वाला तो वो कहती है कि जनाब मुझे बताएं वो कौन है यानी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे क्योंकि वो सितरियो है ना सटू पर कहता है ही इज नाइट यानी वो एक नाइट है यानी एक सिपाही है डब्ड विद अनहेज रैपियर डब का मतलब है यानी मशहूर है या उसको खिताब मिला हुआ है यानी खिताब कहते हैं कि मतलब एक आदमी जो होता है उसके काम की वजह से जो उसको निक नेम मिला होता है ना उसको कहते हैं तो यहाँ पे डब का मतलब भी खिताब है यानी उसका जो निक नेम है ना वो इस वजह से फेमस है या फिर वो आदमी इस वजह से फेमस है कि उसने कभी भी अपनी तलवार नहीं निकाली अनहेज का मतलब है ऐसी तलवार जो कि यूज़ ना की गई हो रेपियर यानी तलवार यानी वो आदमी इसलिए मशहूर है कि उसने कभी अपनी तलवार नहीं निकाली एंड ऑन कॉपेट कंसिड्रेशन कॉर्पेट कंसिड्रेशन का मतलब है कि यानी वो हमेशा महल के अंदर रहकर ही काम करता है यानी कापेट का मतलब है कि यानी कापेट के ऊपर जो लोग चलते हैं उनके साथ डील करना कंसिड्रेशन का मतलब है कि यानी उनके साथ लेन देन होना यानी वो आदमी जो है वो इस वजह से मशहूर है कि उसने कभी कोई जंग नहीं की और वो महल के अंदर रहकर ही सारे मामला डील करता है या महल के लोगों के साथ ही डील करता है बट लेकिन ही इज़ अ डेविल इन प्राइवेट ब्रॉल लेकिन अगर तुम प्राइवेट में उससे जाके जंग करोगे ना तो वो क्या है कि वो एक शैतान है यानी वैसे तो वो इस वजह से मशहूर है कि कभी उसने कोई जंग नहीं की लेकिन अगर अकेले में जाके तुम तो उससे जंग करोगे ना तो वो एक डेविल है सोल्स एंड बॉडीज़ थी डाइवोर्स थ्री डाइवोर्स थ्री का मतलब है यानी उसने तीन लोगों को अब तक मारा है तीन लोगों को कह लो या तीन रूहों को कह लो उसने तीन लोगों को अब तक मारा है एंड हीज इंसेंसमेंट इंसेंसमेंट का मतलब है गुस्सा यानी उसका जो अब गुस्सा है ना एट दिस मोमेंट इस लम्हे इस सो इम्प्लेसिबल वो इतना ज्यादा है यानी इतना ग्रेट है दैट सेटिस्फैक्शन कैन बी नन बट बाय पैंग्स ऑफ डेथ एंड स्पल्चर यानी जब तक वो किसी का खून नहीं कर देता या किसी का स्पल्चर यानी किसी का मकबरा नहीं बना देता किसी की कबर नहीं बना देता तब तक वो सेटिस्फाई फील नहीं करेगा होबनोब इज हिज वर्ड जो है ना ये भी एक टर्म है जिसका मतलब होता है हिट और मिस इज हिज वर्ड यानी वो सिर्फ यही कह रहा है यानी उसके वर्ड सिर्फ यही है कि मारो या फिर बचो गिव इट और टेक इट इसका मतलब भी ये होता है कि या तो मारो या फिर मरो तो कहता है कि मतलब सर एंड्रयू जो है या फिर वो नाइट जो है वो तब से यही कह रहा है कि मतलब यहाँ तो वो मरेगा या फिर मारेगा अब यहाँ पे ना मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूँ कि सर टूबे जो है उसने ना सर एंड्रयू ऑक्चिक का नाम जो है वो सिज़ेरियो के सामने नहीं लिया बस वैसे ही उसको एज ए नाइट उसके सामने पेश कर रहा है जो कि बहुत बहादुर है तो फिर वाइला आगे से कहती है आई विल रिटर्न अगेन द हाउस यानी मैं दोबारा घर के अंदर चला जाऊंगा एंड डिजायर सम कंडक्ट ऑफ द लेडी और लेडी से जाकर मैं थोड़ी सी हेल्प मांगूंगा कंडक्ट का मतलब है यानी उससे थोड़ी सी हेल्प मांगूंगा गार्ड मांगूंगा आई एम नो अ फाइटर यानी मैं कोई फाइटर नहीं हूँ मैंने कभी कोई लड़ाई वगैरह नहीं लड़ी आई हैव ऑफ ऑफ सम काइंड मैन फिर कहता मैंने ऐसे आदमियों का भी सुना हुआ है दैट पुट ऑन To their failures, जो के दूसरे लोगों के ऊपर जान कर लड़ाई वगैरह डालते हैं मतलब वो उससे लड़े, ताके उनकी जो अपनी ताकत है वो उसका मुजाहरा कर सके या दूसरे लोगों को अपनी शो कर सके like, आदमी जो है उसी टाइप का एक आदमी लग रहा है जो कि मतलब दिखाने के लिए ना मेरे ऊपर ये लड़ाई जो है वो थोप रहा है सर जो तो कहता है सर नो यानी तुम नहीं जा सकते हिस्स इंडिग्नेशन यानी उसका जो गुस्सा है ना ड्राइव वो आ रहा है इट्स सेल्फ out of a very competent

उसके बाद फिर कहता है देअर फोर इसलिए ऑन यानी उठ जाओ एंड और स्ट्रिप योर स्वॉर्ड स्ट्रिप स्ट्रिप का मतलब है निकालना यानी स्ट्रिप योर स्वॉर्ड यानी अपनी तलवार को निकालो स्टॉक नेक स्टॉक नेक का मतलब है स्टॉक होता है फुल नेक यानी बरहना यानी उसको अपनी तलवार को ना गुलाब के अंदर से निकालो वो जिसके अंदर डालते हैं ना तलवार को तो उसको कहते हैं यानी उसके अंदर से निकालो फॉर मेडल यू मस्ट यानी तुम्हें इंटरफेयर तो जरूर करना होगा मेडल का मतलब होता है दखल अंदाजी करना यानी तुम्हें इंटरफेयर तो जरूर करना होगा दैट सर्टेन यानी ये बात तो सच है कि तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा और फोर्स अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम कसम खा लो टू वेयर आयरन अबाउट यू यानी तुम कसम खाओगे आज के बाद तुम कभी भी तलवार जो है वो नहीं उठाओगे ये तुम कसम खाओ अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वाला किसान कहती है दिस इज एज अनसिविल एज स्ट्रेंज यानी ये तो आ, मतलब वैशियों वाला रवैया है ये तो वैशियों वाला बिहेवियर है As strange का मतलब है 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 कि यानी ये ये जो बहुत ही अजीब और ये अनसिविल है यानी वाला है जंगली बिहेवियर है यानी यानी मैं तुमसे करता हूं, Do me this office. मेरे एक छोटा सा काम करो ऑफिस का मतलब है ड्यूटी यानी मेरा एक छोटा सा काम करो कॉटिस का मतलब है यानी मेहरबानी करके मेरा एक छोटा सा काम करो एज टू नो ऑफ द नाइट वट माई ऑफेंस टू हिम इज यानी नाइट के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि मेरी ऐसी गलती क्या है जिसकी वजह से वो मेरे साथ लड़ना चाहता है इट इज़ समथिंग ऑफ माई नेग्लीगेंस नथिंग ऑफ माई पर्पज यानी वो जिस वजह से मेरे साथ लड़ना चाहता है ना मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मैंने कभी अनजाने में उसके साथ किया होगा मैंने पर्पज के साथ नहीं किया होगा यानी मेरी जो भी गलती होगी ना वो मैंने जानबूझ नहीं की होगी बल्कि अनजाने में या मुझे नहीं पता होगा इस वजह से मैंने उसके साथ वो गलती की होगी इसलिए वो मुझसे लड़ना चाहता है सटू भी कहता है आई विल डू सो चलो ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा फिर कहता है सिग्नियर फेबियन यानी सिग्नियर जो टर्म है ये पहले भी यूज हुई थी इसका मतलब होता है सर यानी सर फेबियन

के जंग को यानी लड़ाई को कहता है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो इंसानों वाली जंग तुम्हारे साथ करेगा यानी जो इंसान आपस में जंग करते हैं ना वो वाली जंग वो तुम्हारे साथ करना चाहता है बट लेकिन नथिंग ऑफ द सर्कमस्टांस मोर यानी मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो हालात चल रहे हैं ना मुझे सिर्फ उनके बारे में पता है उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता ये वो यहाँ पे कह रहा फिर से है फिर वायला कहती है वो ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम्हें वादा किया गया है या जैसा तुम्हें बताया गया है To तो रीड हिम बाय his फॉर्म यानी अगर तुम उसको शक्ल से देखोगे ना दिखने में वो तुम्हें बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं लगेगा जैसा वो असल में है एज यू आर लाइक टू फाइंड हिम इन द प्रूफ ऑफ इज वेलर यानी जब वो तुमसे लड़ाई करेगा तो वो टोटली ऑपोजिट होगा यानी फिर यहाँ पे कह रहा है कि वो आदमी जो है ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम उसे पहली बार देख कर समझोगे यानी जब तुम उसे जंग करोगे ना उसकी बहादुरी को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो किस तरह का आदमी है अच्छा ही इज इंडीड सर द मोस्ट स्किलफुल ब्लर इन फैटल ऑपोजिट दैट यू पॉसिबली है कि मतलब सर यानी वो एक ऐसा इंसान है जो कि इलिरिया के अंदर ना तुम्हारा सबसे बड़ा Uh, मतलब दुश्मन साबित हो सकता है और जो कि सबसे ज़्यादा माहिर है खूनी है और जहरीला दुश्मन है यानी वो ए के अंदर ऐसा तुम्हारा सबसे ज़्यादा uh, माहिर uh, मतलब खूनी और जहरीला दुश्मन है जैसा कि और कोई भी नहीं हो सकता ए लीरे के अंदर विल यू वॉक टूवर्ड्स हिम फिर कहता है क्या तुम उसके पास जाओगे यानी लड़ाई करने के लिए आई विल मेक योर पीस विद हिम इफ़ आई कैन फिर कहता है अगर मुझसे कुछ भी हो सकना यानी अगर मैं तुम दोनों के दरमियान रजामंदी करवा सका यानी सुहा वगैरह करवा सका तो मैं जरूर करवाऊंगा यानी तुम दोनों के दरमियान जंग रोकने के लिए अगर मैं कुछ भी कर सका तो मैं करूंगा तो वाला है आई बी मच बाउंड टू यू फॉर इट यानी मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूंगा अगर तुम ऐसा करोगे फेबियन आई एम वंस यानी मैं एक ऐसा टाइप का इंसान हूँ जो कि प्रीस्ट के साथ जा, जाना ज्यादा पसंद करता है बजाय इसके कि वो किसी नाइट के साथ या किसी सोल्जर के साथ जाए आई केयर नॉट हू नो सो मच ऑफ माई मेटल यानी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं है। मेटल का मतलब है करेज यानी मेरी जरूरत के बारे में मेरी बहादुरी के बारे में लोग क्या सोचते हैं मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है एग्जीक्यूट और ये कह करना सीन जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है री इंटर सर टूबे एंड सर एंड्रयू ये दोनों कैरेक्टर वहाँ पे एंटर होते हैं तो सर टूबे जो है जिस तरह से उसने मतलब सिजैरियो को सर एंड्रयू ऑप्चिक के बारे में बातें बताई बढ़ा चढ़ाकर अब वो सर एंड्रयू ऑप्चिक को सजैरियो के बारे में बातें बताएगा वो कहता है वाई मैन यानी वो कहता है कि यार क्या बताऊं तुम्हें ही इज अ वेरी डेवल यानी ये तो एक पूरा शैतान है आई हैव नॉट सीन सच ऑफ फिरेगो अब ये जो फेगो वर्ड है ना ये शेक्सपियर ने पन यूज किया है वेरागो वर्ड के लिए फिरेगो जो का जो वर्ड है ना इसका मतलब है वेरागो तो वेरागो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसी औरत जो कि आदमियों की तरह लड़ रही होती है तो मे भी यहाँ पे सटूबे जो है उसने ये वाला वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि वायला जो है वो सिजेरियो बनी हुई है यानी वो लड़की है और लड़, लड़कों की तरह बिहेव कर रही है तो मे भी उसने उसकी अपेयरेंस को देख कर कहा हो कि मतलब वो लड़कियों की तरह लगती है और लड़कों की तरह लड़ रही है इसलिए उसने ये वाला वर्ड यूज किया है तो कहता है मैंने ना इस तरह का दुश्मन आज तक नहीं देखा आई हैड अ पास विद हिम पास का मतलब है लड़ाई यानी मेरी एक ना उससे लड़ाई हुई अभी अभी यानी मैं उससे लड़के आ रहा हूँ रैपियर मैंने तलवार निकाली स्कैपर्ड यानी मैंने उसे मारा एंड ऑल और जो मैं कर सकता था मैंने किया एंड ही गिव्स मी द स्टक इन विद सच अ मॉटल मोशन और उसने मुझे ऐसा धक्का दिया ना स्टक का मतलब है यानी धक्का मारना या चोट पहुंचाना यानी उसने मुझे ऐसी चोट पहुंचाई मोटल मोशन यानी इंसानों वाली कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को जिस तरह से चोट पहुंचा सकता है उसने मुझे इस तरह की एक चोट पहुंचाई दैट इट इज़ इन एविटेबल जो कि इनएविटेबल है इनएविटेबल होता है कि ऐसी चीज जिसको दोबारा रिफॉर्म ना किया जा सके या वापस उस हालत में ना लाया जा सके तो वो कहता है ऐसी चोट पहुँचाई जिसको ठीक नहीं किया जा सकता एंड ऑन द आंसर और जब मैंने उसे जाकर तुम्हारा लेटर सुनाया तो उसके जवाब में उसने मुझे कहा ही पेज यू एज श्योरली एज योर फीट हिट द ग्राउंड दिस स्टेप ऑन तो उसके जवाब में ना उसने कहा ना कि वो तुम्हें इतनी जोर से मारेगा कि जितनी जोर के साथ तुम्हारे पाउ जो है वो जमीन के साथ लगे हुए हैं ना इतनी जोर के साथ वो तुम्हें मारेगा दिसे ही हैज़ बीन फेंसर टू द सॉफी दे का मतलब है लोग यानी लोग कहते हैं कि ये जो सजैरू है ये सोफी सोफी का मतलब है किंग ऑफ पर्शिया यानी किंग ऑफ पर्शिया के लिए तलवारबाजी भी करता रहा है यानी उसका सिपाही भी रहा है तो सर कहता है पॉक्स पॉक्स ऑन इट ऑन इट का मतलब है यानी वो उसको शराब दे रहा है कि यानी इसको मतलब चिकन पॉक्स हो जाए यानी वो बीमारी हो जाए इसको आई नॉट मेडल विद हिम यानी मैं इसके साथ नहीं लड़ूंगा मेडल का मतलब इंटरफेयर करना तो सर टो कहता है ए वो तो ठीक है बट ही विल नॉट नाउ बी नाउड लेकिन मतलब अब उसको अ, मतलब सुकून नहीं दिलाया जा सकता या उसको समझाया नहीं जा सकता किसको किसकोरियो को फेबन कैन होल्ड हिम का मतलब है देर यानी कहता है कि वो तुमसे लड़ने के लिए इतना ज्यादा तैयार है कि मैं ना उसको फेबिन को ना उस, तो उसके पास खड़ा करके आया हूं और फेबिन ने बड़ी मुश्किल से उसको रोका हुआ है यानी वो तुमसे लड़ने के लिए इतना ज्यादा तैयार है तो कहता है प्ले इट यानी उसको कोई बीमारी लग जाए एंड आई थॉट ही हैड बीन सो कनिंग इन जाएंगस तो फिर वो कहता है एन का मतलब होता है इफ़ यानी अगर मुझे पता होता ना कि ये इतना ज्यादा बहादुर है और तलवारबाजी करने के अंदर इतना ज्यादा चालाक है आई वुड हैव सीन हिम वु अरे आई वुड हैव चैलेंज हिम तो इससे पहले कि मैं उसे ना चैलेंज करता मेरी ख्वाहिश होनी थी कि ये मरा हुआ होता यानी इसके मरने के बाद ही मैंने इसको चैलेंज करना था जब ये जिंदा होता तो मैंने इसको चैलेंज नहीं करना था लेट हिम लेट द मैटर स्लिप यानी ऐसा हो जाए कि ये मामला रफा दफा हो जाए यानी वो भी ये मामला भूल जाए जंग वाली बात भूल जाए एंड आई गिव हिम माई हॉर्स ग्रे कैपिलेट और अगर वो मतलब इस जंग को नहीं करता ये बात भूल जाता है तो मैं उसको अपना ग्रे कैपिलेट कैपलेट यानी घोड़ा यानी ये जो मेरा ग्रे कलर का घोड़ा है ये मैं उसको दे दूंगा तो उसे टो तो भी कहता है आई मेक द मोशन ठीक है मैं उसके पास जाता हूँ स्टैंड हेयर तुम यहाँ पर रुके रहो मेक अ गुड शो ऑन इट और ऐसा करना कि जब मतलब वो तुम्हारे सामने आए या जब तुम उसके सामने जाओ ना तो तुमने उसके सामने अच्छा बन के दिखाना है दिस शेल एंड विदाउट द पंडीशन ऑफ द सोल्स इसका मतलब है कि यानी अगर तुम उसके सामने अच्छा बिहेवियर करोगे ना तो हो सकता है कि ये जो मामला है ना ये किसी की जान जाए बगैर ही ठीक हो जाए यानी ऐसे ही निपट जाए हमें जंग ना ही करनी पड़े यानी आपस में लड़ाई ना ही करनी पड़े तुम दोनों को हो सकता है कि अगर तुम उसके सामने अच्छा बिहेव करोगे तो मतलब ये मामला जो है वैसे ही सुलझ जाए तो असाइड फिर वो अपने आप से कहता है यानी जैसे बंदा स्लो आवाज़ में अपने आप से बात करता है ना तो फिर वो अपने आप से कहता है कहता है मैरी यानी जीसस क्राइस्ट की मदर की कसम आई विल राइड योर हॉर्स एज वेल एज आई राइड यू यानी जिस तरह से मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है ना मैं तुम्हारे घोड़े का भी इसी तरह से फायदा उठाऊंगा तो रीटर फैबियन एंड वायला तो फैबियन और वायला वहाँ पर आते हैं तो टू फैबियन वो फैबियन से कहता है आई हैव हिज हॉर्स टू टेक अप द क्वल यानी यहाँ पे वो सर पे जो है वो फैबियन से कह रहा है कि फैबियन मैंने ना उसका घोड़ा जो है ना लड़ाई को रोकने के लिए लिया है यानी उसने मुझे अपना घोड़ा दिया है कि मैं लड़ाई को रोक दूँ आई हैव हिम द यूथ्स है डेविल और उसके अलावा मैंने ना uh, सर एंड्री को ना ये जो सिजार्यू है ये बिल्कुल ऐसे मतलब बना बना के दिखाया है कि जैसे वो एक शैतान हो तो उसके जवाब में कहता है ही इज एज हॉरबली कंसिटेड ऑफ हिम यानी वो सर टूबे को कहता है सर टूबे ये जो शेजार्यू है ना ये भी सर एंड्रू के बारे में बिल्कुल ऐसे ही डरा हुआ है जिस तरह से सर एंड्रू सजार्यू के बारे में डरा हुआ है

तो वो आपसे लड़ाई करेगा मैरी जीसस क्राइस्ट की मदर की कसम ही हैथ बेटर बी थॉट एंड ही फाइंड टू बी वॉच टेकिंग ऑफ कहता है कि उसने ना इस लड़ाई के बारे में फिर से सोचा यानी जब मैंने उसके उसके पास जाकर आपकी बात की ना तो उसने इस लड़ाई के बारे में फिर से सोचा ही हैथ बेटर बी थॉट का मतलब है कि यानी उसने इसके बारे में और ज्यादा सोचा लड़ाई के बारे में और अब उसे पता चला है कि अब कोई अब जो टाइम है ना वो बातें का कर, बातें करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है अब लड़ाई करने का टाइम है देआर फोर इसलिए ड्रॉ फॉर द सपोर्टेंस ऑफ हिज वो इसलिए उसके उसने जो कसम खाई है ना उसको सपोर्ट करने के लिए तुम भी अपनी तलवार निकालो ही प्रोटेस्ट ही विल नॉट हर्ट यू लेकिन उसने कसम खाई है कि मतलब वो तुम्हें हार्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा बस वो तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए लड़ाई करेगा यानी तलवारबाजी करेगा तो वाला कहती है असाइड यानी अपने आप से वाला कहती है प्रे डिफेंड मी यानी खुदा मेरी हिफाजत करना अ लिटिल थिंग यानी एक छोटी सी भी जो मेरी गलती होगी ना वुड मेक मी टेल दैम हाउ मच आई लेक ऑफ अ मैन वो इन लोगों को बता देगी कि मेरे में मर्दों वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यानी अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक औरत हूँ और मेरे में मर्दों वाली बात बिल्कुल भी नहीं है तो फिर भी कहता है गिव ग्राउंड इफ़ यू सी हिम फ्यूरियस तो फेबिन जो होता है ना वो वायला के जाने से पहले कहता है कि वायला अगर तुम देखो ना कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है मतलब वो नाइट बहुत ज्यादा गुस्से में है तो तुम पहले ही जगह छोड़ देना यानी पीछे हट जाना तो उसके वो कहता है कम सर एंड्रय फिर वो बुलाता है सर एंड्री को सर एंड्रियो आ जाओ देर इज नो रेमेडी यानी अब वो सर एंड्रू को अभी वही बात रिपीट करेगा कि सीजेरू जो है वो कह रहा है कि अब मतलब वो कुछ नहीं कर सकता द जेंटलमैन विल फॉर हिज ऑनर यानी वो जेंटलमैन जो है वो अपनी इज्जत की खातिर क्योंकि उसने अब एक बार कह दिया है कि वो तुमसे लड़ाई करेगा इसलिए वो अपनी इज्जत की खातिर अपने ऑनर की खातिर जो है ना हैव वन बाउट विद यू बाउट का मतलब लड़ाई यानी एक बार तो तुमसे जरूर लड़ेगा ही के नॉट बाय दूलो अवॉइड इट यानी क्योंकि ड्यूलो का मतलब है कि जो ड्यूल के रूल्स होते हैं यानी जंग के जो असूल होते हैं ना उन असूलों को मद्देनजर रखते हुए सामने रखते हुए ना वो अब ये जंग जो है वो नहीं रोक सकता बट ही हैज प्रॉमिस्ड मी लेकिन उसने मुझसे वादा किया है एज ही इज अ जेंटलमैन एंड अ सोल्जर लेकिन उसने उसने मुझसे वादा किया है क्योंकि वो एक जेंटलमैन है एक भला आदमी है और एक सिपाही है उसने मुझसे वादा किया है कि ही विल नॉट हर्ट यू वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा कम ऑन अब आ जाओ टू इट यानी चलो अब चलते हैं हम सर कहता है प्रे यानी यानी खुदा ही कीप्स हिज काश वो अपना इसी तरह से वादा कायम रखे यानी वो अपने वादे पे रहे और मुझे हर्ट ना करे तो ड्रॉस ये कहकर वो तलवार निकालता है तो वाला जो होती है वो कहती है आई डू एश्योर यू अगेंस्ट माई विल तो वो लड़ने से पहले वाइला जो है ना वो भी कहती है कि मतलब मैं तुम्हें बस बताना चाहती हूँ मतलब सरेंट्यू को कह रही है कि सर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा और ये कहकर ड्रॉस वो भी तलवार निकालती है तो में है इंटर एंटोनियो अब एंटोनियो जो होता है वो यहां पर आ जाएगा वो मतलब योर स्वॉर्ड यानी अपनी तलवार नीचे फेंक यंग जेंटलमैन अगर इस जेंटलमैन ने यानी वायला को कह रहा है कि मतलब अगर इस जेंटलमैन ने तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया है ना आई टेक द फॉल्ट ऑन मी तो उसका इल्जाम जो है वो मैं अपने ऊपर लेता हूं इफ यू ऑफेंड हिम अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया मारने की कोशिश की आई फॉर डिफाई यू तो मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा ड्रॉइंग ये कहकर वो तलवार निकाल लेता है तो सर डोबो कहता है यू सर वॉ आई वॉट आर यू यानी तुम कौन हो कहा से आए हो क्या लेने आए हो यहाँ पर एंटीन कहता है वन यानी जनाब मैं वो हूं सर दैट फॉर हिज लव डेट कि जनाब मैं वो हूँ जो कि इस आदमी के प्यार के लिए यानी यहाँ पे वो पेरियो को कह मैं करके कह रहा है कि ये जो शिजारी है ना मैं वो आदमी हूँ जो कि इस सिज के प्यार के लिए उससे भी ज्यादा कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो कि इस शिजहरियो ने तुम्हें कहा होगा कि ये तुम्हारे साथ करेगा तो सटू पर कहता है नहीं इफ यू बी एन अंडरटेकर यानी अगर तुम लड़ना चाहते हो अगर तुम हमला करना चाहते हो आई एम फॉर यू तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा और ये कहकर ड्रॉस सर टू बे जो होता है वो भी तलवार निकाल लेता है तो फेबन कहता है ओ गुड सर होल्ड यानी रुक जाओ सर कम द ऑफिसर्स यानी वो देखो ऑफिसर्स जो है वो आ रहे हैं तो सर टू बे जो होता है वो कहता है आई बी विद यू एन यानी मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ लड़ूंगा एन एन यानी सोन तो वाला फिर कहती है वो से कहती है प्रे सर पुट अप स्वाडअप अप का मतलब है यानी जनाब आप भी अपनी तलवार फेंक दें इफ यू प्लीज यानी अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपनी तलवार फेंक दें सर एंड्रू कहता है मैरी यानी जीजस क्राइस्ट की कसम विल आई सर एंड फॉर दैट आई प्रोमिस्ट यू विल विल आई आई का मतलब तो है यानी हाँ मैं ऐसा ही करूंगा सर एंड फॉर दैट आई प्रोमिस यू और उसके अलावा मैंने तुमसे वादा भी किया था कि मैं ऐसा लड़ना ही नहीं चाहता यानी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा या लड़ना नहीं चाहता या मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तो उस वादे के लिए भी मैं ये तलवार फेंक रहा हूँ आई बी एज गुड एज माई वर्ल्ड क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जुबान दी थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ गुड रहूंगा ही विल बियर यू ईजिली एंड रेन वेल अच्छा अब ये यही यहाँ पे वो घोड़े की बात कर रहा है क्योंकि वो समझ रहा है कि शायद वो जो घोड़ा था ना उसकी वजह से वायला जो है उसने इससे लड़ने से इनकार कर दिया है इसलिए वो कह रहा है कि ये लो मतलब ये जो तुम्हारा घोड़ा है ना जो मैंने तुम्हें दिया है ये तुम्हें अच्छी तरह से मतलब लेकर जाएगा बी एर यू ईजिली का मतलब है कि यानी इसके ऊपर तो तुम आसानी के साथ सवारी कर सकते हो और ये ना रेंस वैल रेंस कहते हैं लगाम को लगाम खींचना घोड़े की रेंज उसको कहते हैं तो रेंज वैल का मतलब है कि यानी ये जो अपना मालिक होता है ना ये घोड़ा उसकी बहुत ज्यादा

यानी वो कहता है कि एंटोनियो मैं ना तुम्हें काउंट और सीनो के बिहाफ के ऊपर तुम्हें मैं अरेस्ट कर रहा हूँ काउंट मतलब और अरेस्ट करता हूँ तो तो जनाब आप गलत समझ रहे हैं मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफिसर कहता है नो सर नो जॉट यानी मैं बिल्कुल भी गलत तुम्हें नहीं समझ रहा जॉट का मतलब बिल्कुल भी नहीं यानी जनाब मैं तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रहा आई नो योर फेवर फेवर का मतलब फेस यानी फेवर वेल यानी मैं तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह से पहचानता हूँ दो नाव यू हैव नो सी कैप ऑन योर हैड अगर जो तुम्हारे मतलब सर के ऊपर अभी वो तुम्हारी सी uh, कैप नहीं है यानी वो जो uh, समुद्री लुटेरे होते हैं उन्होंने जो टोपी पहनी होती है कैप होती है वो भी तुमने अभी नहीं पहनी इसलिए मैं जो हूँ ना वो तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ टेक हिम अवे इसे ले जाओ यहाँ से ही नोज आई नो हिम वेल ये जानता है कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ तो एंटोनियो कहता है आई मस्ट ओबे ठीक है मैं मतलब तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ फिर वो टू वायला वायला से कहता है दिस कम्स विद सीकिंग यू यानी ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना ये तु, मैं तुम्हारे तुम्हारे पास आया इसलिए ये सब कुछ मेरे मेरे साथ हुआ है बट लेकिन देर नो रेमेडी लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता आई शैल आंसर इट मुझे मतलब इसका जवाब देना होगा यानी मुझे अपने आप को इनके हवाले करना होगा वट विल यू डू यानी अब तुम क्या करोगे नाउ माई नेसेसिटी मेक्स मी टू आस्क यू फॉर माई पर्स अब जो मेरे हालत है ना नेसेसिटी का मतलब है यानी अब जिस सिचुएशन के अंदर हूँ तो मैं ना इस तुमसे अपना पर्स मांगता हूँ कि मुझे मेरे पैसे दे दो इट ग्रीज मी मच मोर फॉर वट आई कैन नॉट डू फॉर यू दैन वट बी फॉल्स माई सेल्फ यानी ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रही है कि मैं जिस हालत में हूँ ना तो मैं अपने आप के लिए भी कुछ नहीं कर सकता और तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर सकता यू स्टैंड अमेज यानी मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा हैरान यहां पर खड़े हो बट बी ऑफ कंफर्ट लेकिन सुकून करो यानी थोड़े से टेंशन फ्री हो जाओ तो सेकंड ऑफिसर कहता है कम सर अवे यानी जनाब इसे ले जाओ यहां से तो एंटोनियो कहता है आई मस्ट इंट्रीट ऑफ यू सम ऑफ दैट मनी यानी इंट्रीट का मतलब है रिक्वेस्ट करना यानी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मेरे थोड़े से पैसे दे दो तो वाले कहती है वट मनी सर यानी कौन से पैसे जनाब फॉर द फेयर काइंडनेस यू हैव शो मी हेयर यानी क्या तुम उस चीज के पैसे मांग रहे हो जो कि तुमने यहाँ पर भलाई मेरे साथ की है यानी सर एंड से लड़ाई करके मेरी जो लड़ाई छुड़वाई है क्या तुम उस चीज के पैसे मांग रहे हो एंड पार्ट और उसके साथ साथ बींग प्रॉम्पटेड बायर प्रेजेंट ट्रेवल और ये जो तुम इस परेशानी में हो क्या तुम इस परेशानी में होने की वजह मुझ से मुझसे पैसे मांग रहे हो मतलब क्या तुम इन दो कामों की वजह मुझ से मुझसे पैसे मांग रहे हो आउट ऑफ माई लीन एंड लो अबिलिटी यानी मेरी जो लीन लीन यानी कमजोर लो यानी कम अबिलिटी यानी है मेरी जो बहुत कम हैसियत है ना आई लैंड यू समथिंग मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ माई हैविंग इज नॉट मच अगरचे मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ दे सकता हूँ आई मेक डिवीजन ऑफ माई प्रेजेंट विद यू डिवीजन ऑफ माई प्रेजेंट प्रेजेंट का मतलब है कि यानी इस टाइम मेरे पास जो कुछ भी है ना उसका आधा मैं तुम्हें दे सकता हूँ होल्ड रुको जरा देर इज हाफ माई कॉफर कॉफर कहते हैं पर्स कॉफर कहते हैं मतलब ऐसा पर्स वगैरह या ऐसा छोटा सा पर्स या संदूक टाइप जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं तो वो कहता है कि ये देखो ये मेरा पर्स है और इसके आधे पैसे जो हैं वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ दोनों कहता है विल यू डिनयिनाव तो एंटोनियो जब देखता है कि सिबैस्टन जो है वो उसकी बात ही नहीं मान रहा यानी उसको मानने से इनकार कर रहा है तो वो कहता है कि अब तुम क्या मुझ, मेरा इनकार करोगे यानी अब तुमने देखा कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले लेके जा रही है तो तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो इज इट पॉसिबल दैट माई डिजर्ट्स टू यू कैन लेक परसुएशन डिजर्ट्स का मतलब है कि यानी जो काम मैंने तुम्हारे साथ किए हैं जो भी भलाई वाले काम मैंने तुम्हारे साथ किए हैं परसुएशन का मतलब है कि यानी मेरी मदद करना मेरे पीछे आना तो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जितने ज्यादा काम मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वो अभी भी कम हैं कि तुम मेरा इस मुसीबत के अंदर मतलब मेरा साथ दे सको इस चीज के लिए क्या वो काम अभी भी कम है डो नॉट अटेम्प्ट माई मिजरी फिर कहता है मेरी ये जो हालत है ना इसका मजाक अब मत उड़ाओ लेस दैट इट मेक मी सो अनसाउंड अ मैन एज टू अप्रेड यू विद काइंडनेस दैट आई हैव डन फॉर यू ऐसा ना हो कि मतलब मैं ऐसा इंसान बन जाऊं अनसाउंड का मतलब है यानी मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊँ के जो के अप्रेड अप्रेड यानी बताना शुरू कर दे या शेखी बिखेरना शुरू कर दे विद दोज काइंडनेस वो वाली भलाइया सुनाकर जो कि मैंने तुम्हारे साथ की हैं यानी मेरी ये जो बुरी हालत है इसका मजाक मद, मत उड़ाओ ऐसा ना हो कि मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं जो कि अभी वो वाली बातें बताना शुरू कर दे वो वाली या वो वाले अच्छे काम बताना शुरू कर दे जो कि मैंने तुम्हारे साथ किए हैं तो वाला आगे से कहती है आई नो ऑफ नन यानी मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कह रहे हो नोर नो आई यू और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ बाई वॉइस ना ही तुम्हारी मैं आवाज़ से तुम्हें जानता हूँ और एनी फीचर और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल से या किसी तुम्हारे और काम से तुम्हें जानता हूँ आई हेट इन ग्रेटिट्यूड यानी मुझे ना नाशुकर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है मोर इन अ मैन यानी मुझे एक इंसान के अंदर ना जो नाशुक्रापन होता है ना शुक्र अदा ना करना वो उसके अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है देन लाइंग वेननेस बेबलिंग ड्रंकनेस और एनी टेंट ऑफ वॉइस हु करप्शन इन हैबिट्स आर फ्रेल्ड एक नाशुकर इंसान अदा नहीं करता चीजों का वो ऐसे इंसानों से बहुत ही लगता है और ये वो सारी ऐसी हैं जो अगर थोड़ी सी भी हमारे मतलब हमें करप्ट कर देना हम इस, इनको मतलब इस्तेमाल कर टू इनको 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 हो जाए तो ये हमारे खून के अंदर जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है उसके अंदर रच बस जाती हैं यानी हमारे खून के अंदर बहुत ज्यादा डीप अंदर तक चली जाती हैं ये वो वाली चीजें हैं और इन

वन हाफ आउट ऑफ द जॉस का मतलब है कि यानी आधा मौत के मुंह में चला गया था मैंने इसको वहां से निकाला रिलीवड हिम विद सच सेंटिटी ऑफ लव और इसको मैंने इतना ज्यादा प्यार दिया रिलीव uh, का मतलब है यानी इज्जत देना अदब करना और सेंटिटी ऑफ लव यानी प्यार करना एंड टू हिस इमेज और इसके चेहरे को ना विच मी थोट प्रोस मोस्ट वेनरेबल वर्ड इसका चेहरा देख कर ना मुझे ऐसा लगता था कि इसका चेहरा जो है ना वो डिमांड करता है कि इसकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाए डिड आई डिवोशन और उसको मैंने इतना ही ज्यादा प्यार दिया या इतनी ही ज्यादा मैंने उसकी इज्जत की यानी यहाँ पर एंटोनियो कह रहा है कि ये जो सिबेस्टन है ना इसका चेहरा जो है ना इसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता था कि इसका चेहरा जो है ना वो इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसकी इज्जत करनी चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया तो फर्स्ट ऑफिसर कहता है वट्स दैट टू अस हम इसका क्या करें द टाइम गोज यानी टाइम गुजरा जा रहा है अवे ले जाओ इसको यहाँ से तो एंटोनियो कहता है बट ओ oh, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो हाउ वाइल एंड आइडल प्रूव दिस गोड यानी ये जो गोड है यानी यहाँ पे वो वायला को कह रहा है कि ये जो आदमी है जिसको मैंने गोड समझा हुआ था ये कितना झूठा निकला दाओ है सिबैस्चन डन गुड फीचर शेम यानी सिबेस्टन तुमने ना आज उन सब लोगों को शर्मिंदा कर दिया है जिनके गुड फीचर होते हैं जो कि लिखने में हैंडसम होते हैं इन नेचर देर इज नो ब्लैमिश बट द माइंड ब्लैमिश का मतलब है यानी अगली होना ख़राब होना यानी कहता है कि नेचर के अंदर ना किसी भी आदमी के नेचर के अंदर या वैसे ही नेचर के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो अगली नहीं होती सिवाय माइंड के यानी एक इंसान जो होता है ना उसका दिमाग जो है वही ख़राब हो सकता है वही घटिया हो सकता है उसके अलावा किसी भी इंसान का चेहरा जो है या नेचर के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो घटिया नहीं है सिवाय इंसान के दिमाग के नन कैन बी कॉल्ड डी फॉर्म्ड हम किसी भी चीज़ को बुरा या घटिया नहीं कह सकते बट द अनकाइंड लेकिन सिवाय ऐसे इंसान के जो कि अनकाइंड हो जो कि दूसरों के साथ बुरा सलूक करता हो यानी हम सिर्फ उस इंसान को घटिया कह सकते हैं जो कि दूसरों के साथ बुरा सलूक करता है ना कि किसी और चीज़ को जो कि दिखने में बुरी है विचू इज़ ब्यूटी यानी जो नेकी होती है ना जो नेको ना होता है वो ही खूबसूरती होती है बट द ब्यूटियस एवल आर एम्पटी ट्रंक्स ओवर फ्लर्श बाय द डेविल्स लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शैतान होते हैं ना वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं कि जैसे एक मतलब शैतान होता है उसने एक संदूक को बाहर से सजा कर रखा हो और उस संदूक के अंदर बहुत ही खौफनाक चीजें मौजूद हों ब्यूटी सिविल का मतलब है यानी एक ऐसा इंसान जो कि खूबसूरत हो लेकिन अंदर से अनकाइंड हो यानी झूठा हो झूठा हो या कमीना हो अंदर से लेकिन दिखने में खूबसूरत हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब ट्रंक की तरह ऐसे ही संदूक की तरह होता है जिसको शैतान ने ना बाहर से सजाया हुआ होता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता तो फर्स्ट ऑफिसर कहता है द मैन ग्रोज मैड यानी ये आदमी पागल हो गया है अवे विद हिम ले चलो इसको यहाँ से कम सर कम यानी चलो मैं हमारे साथ चलो तो एंटोनियो कहता है लीड मी ऑन यानी ले चलो मुझे एग्जीक्यूट ऑफिसर्स विद एंटोनियो तो वो ऑफिसर्स एंटोनियो को ले जाते हैं तो वाला कहती है मी थिंक्स हिज वर्ड्स डू फ्रॉम सच पैशन फ्लाई दैट ही बिलीव्स हिमसेल्फ सो डू आई नॉट तो वाला कहती है मुझे लगता है कि ये ना जो कुछ भी कह रहा था ना वो ऐसे पैशन के साथ कह रहा था जो कि इसके दिल से आ रहा था यानी ये सारी बातें अपने दिल से कह रहा था और ये ऐसी बातें थी जिनके ऊपर ये यकीन करता था लेकिन मैं यकीन नहीं करता प्रूव ट्रू यानी काश ये बातें सच साबित हों इमेजिनेशन यानी ये जो बातें इसने इमेजिनेशन में कही या फिर इसके लिहाज से वो सच थी ये सच साबित हो जाए ओ प्रूव ट्रू यानी काश ये बातें सच साबित हो जाएँ दैट आई कि मैं जो हूँ डियर ब्रदर यानी मेरा प्यारा भाई जो है बी नाउ टेकन फॉर यू के मतलब ये जो आदमी है इसने मुझे मेरे प्यारे भाई की जगह पर समझ लिया यानी इसने मुझे समझकर ये सब कुछ मेरे साथ किया या कहा यानी काश ये बातें सच साबित हो जाए कि मेरा भाई जो है वो जिंदा है

तो वो उन दोनों को बुलाकर सटूबे कहता है कि ठीक है जिस तरह से मतलब ये शिजारी जो है वो मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना हम भी थोड़ी देर साइड पर जाकर ना इस तरह की बड़ी बड़ी कहावतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ करते हैं तो फिर वाला कहती है ही नेम्ड सेबेस्टियन यानी इसने सेबेस्टियन का नाम लिया आई माई ब्रदर नो मैं अपने भाई को जानता हूँ माई ग्लास इसका मतलब है कि जब भी मतलब मैं शीशे में देखती हूँ ना इवन सच एंड सो इन फेवर वॉज माई ब्रदर तो मुझे लगता है कि मेरा भाई जो है ना वो भी बिल्कुल मेरे ही चेहरे की तरह है यानी उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे की तरह है एंड ही वेंट स्टिल इन दिस फैशन और मुझे लगता है कि वो अभी भी इसी हुलिये के अंदर घूम रहा है कलर एंड ऑर्नामेंट और इसी हालत के अंदर और ऑर्नामेंट और इन्हीं कपड़ों के अंदर घूम रहा है फरहीम आई इमिटेट यानी यहाँ पे ना वायला कहती है कि क्योंकि मेरा भाई जो है वो दिखने में मेरी तरह है और अब जो मैं एक मतलब लड़की हूं तो मैंने जब लड़कियों और लड़कों वाला होलिया अपनाया हुआ है तो मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह लग रही हूँ ओ इफ़ इट प्रूव अगर ये सच साबित हो गया कि मतलब से जो है वो ज़िंदा है टेम्पस्ट आर काइंड तो मैं समझूंगी कि जो टेम्पेस्ट है ना जो तूफ़ान है समुद्री तूफ़ान है वो काइंड होते हैं एंड साल्ट वेव्स फ्रेश इन लव और जो साल्ट वेव होती हैं ना समुद्र में चलने वाली जो न, मतलब नमकीन लहरें होती हैं फ़्रेश इन लव वो भी प्यार वाली होती हैं यानी वो कहती है कि मतलब अगर मेरा भाई ज़िंदा हुआ तो मैं समझूंगी कि मेरे वो जो तूफ़ान आया था ना जिसने हम दोनों को अलग किया था वो बहुत काइंड था और वो जो लहरें थी जिसने हम दोनों को अलग किया था वो भी प्यार वाली लहरें थी उस

His dishonesty appears in leaving his friend here in necessity. इसकी जो मतलब बेईमानी है ना जो धोखेबाजी है वो हमें यहाँ पर ऐसे पता चलती है कि जब इसने अपने उस दोस्त को जिसको ऑफिसर्स पकड़ के ले गए उसको ज़रूरत के टाइम के ऊपर छोड़ दिया एंड डिनाइंग हिम और उसको पहचान से भी इनकार कर दिया एंड फार हिज कोवडशिप आस्क फेबियन और सर एंड्र्यू अगर तुम इसका मतलब डरपोक होने का और ज़्यादा सबूत चाहते हो ना तो फेबियन से पूछो तो फेबियन कहता है अ कोवर्ड हाँ ये एक डरपोक है मोस्ट डिवॉट कोवर्ड ये दिल से एक पूरा डरपोक है रिलीजियस इन इट यानी ये इतना ज़्यादा डरपोक है कि जो मतलब डर है ना वो इसका मजहब है यानी ये डर का जो मजहब है ना उसको पूछता है तो उसे रेंडो कहता है स्लिड स्लिड का मतलब है ये वही कसम होती है जो हम कहते हैं ना बाई गॉड यानी खुदा की कसम आयल आफ्टर हिम अगेन एंड बीट हिम मैं फिर से इसके पीछे जाऊंगा और इसको मारूंगा यानी पहले जो सरटूबे था ना उसने इसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि सिजारी जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है अब उसके सामने उसको कह रहा है कि ये बिल्कुल भी बहादुर नहीं है ये तो डरपोक है तो उसकी बातें सुनने के बाद सरेंडो कहता है कि ठीक है मैं अब इसके पीछे फिर -पीछ से जाऊंगा और इसको मारूंगा तो सर टू पे कहता है डू हाँ ऐसा ही करना कफ हिम साउंडली कफ हिम साउंडली का मतलब है यानी इसके साथ हाथों से लड़ना बट नेवर ड्रॉ दाइ सोड यानी अपनी तलवार ना निकालना बल्कि हाथों के साथ लड़ना तो सर एंड कहता है एन आई डू नॉट एन का मतलब है इफ आई डू नॉट यानी हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और अगर मैंने ऐसा ना किया तो तुम मुझे जो मर्जी कह सकते हो इस लाइन का ये मतलब है तो एग्जिट ये कहकर वो वहां से चला जाता है तो फेबिन कहता है कम लेट सी द यानी चलो अब देखते हैं क्या समाशा होता है जाकर सटू कहता है आई डियर ले एनी मनी इट विल बी नथिंग येट यानी सटू कहता है कि मैं ना अः यहां पर पैसे लगा सकता हूँ यानी शर्त लगा सकता हूँ कि अब भी कुछ नहीं होगा यानी इन दोनों के दरमियान तो फिर से लड़ाई नहीं होगी और ये कहकर एग्जीक्यूट वहां से चले जाते हैं और ये सीन यहाँ पे एंड हो जाता है